रखा है, मान लीजिए यहाँ ओरिजिन पे आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये मान लीजिए फ्रेम है आपका, ठीक है। अब आप चाहते हो इसको एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में इन तीनों में से रिपीट करना, तो वहां आप यूज करते हो ट्रांसलेशनल रिपीट, ठीक है। जब भी किसी एक ही डायरेक्शन में, इन तीनों में से किसी एक डायरेक्शन में कोई चीज चलती है या मूव करती है या फिर वो रिपीट होती है, तो उसको ट्रांसलेशन बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए आप एक्स एक्सिस के अलोंग उसको मूव करना चाह रहे हैं, तो वो कुछ इस तरीके से आपका रिपीट होता चला जाएगा। आप उसके बीच में कोई स्पेसिंग नहीं दे रहे हैं, तो वो आपका इस तरीके से रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। ये होता है एक्स एक्सिस। फिर अगर आप जेड के अलोंग दे रहे हैं, वो आपका इस तरीके से जेड एक्सिस पे रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप वाई के अलोंग दे रहे हैं, तो आपका इस तरीके से वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ को इस तरीके से रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते आप क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा मल्टी स्टोरीड फ्रेम तैयार कर सकते हैं। अभी तक तो हम एक फ्रेम पढ़ रहे थे, लेकिन ऐसे ही करते करते आप पूरा का पूरा एक मल्टी स्टोरीड फ्रेम तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये फ्रेम मैंने बनाया था, ये हम लोगों ने कल ही बना रखा था, ठीक है। इसको हम करते हैं सेलेक्ट, या एक काम करता हूँ मैं आपको जीरो से बताता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ। देखो बिल्कुल बेसिक से लेके कैसे फ्रेम बनाया जा सकता है, ठीक है। ये आपकी ग्रिड ऑन कर दी मैंने, ध्यान से सुनिएगा प्लीज सब लोग, मैं बहुत धीरे धीरे चलूंगा। तो मैंने आपकी ग्रिड ऑन कर दी। अब ग्रिड ऑन करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ओरिजिन है, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक नोड प्लेस कर दिया, बस सिर्फ एक नोड, और एस्केप दबा दिया, ठीक है। तो अब मैंने इसको कर दिया बंद। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे एक नोड आपके पास, ठीक है, ये रहा वो नोड आपका। तो मैंने नोड कर्सर सेलेक्ट किया और ये नोड को सिलेक्ट कर लिया। अब इस नोड को मैं करना चाहता हूँ रिपीट, ठीक है। मैं इस नोड को रिपीट करना चाहता हूँ इससे ऊपर की डायरेक्ट वाई एक्सिस पर, ताकि मैं एक कॉलम बना सकूँ, कॉलम बना सकूँ, ठीक है, ताकि मैं एक कॉलम बना सकूँ। तो मैंने इसको किया सिलेक्ट। अब जो ट्रांसलेशनल रिपीट कमांड है वो आपको मिलेगा यहाँ, ये देखिए ये आपका ट्रांसलेशनल रिपीट कमांड है। या तो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ज्योमेट्री में जाके आप वो मिल जाएगा ट्रांसलेशन रिपीट कमांड जगह पर। एक सेकेंड रुकिए प्लीज। तो आपको ट्रांसलेशन रिपीट कमांड क्या बताया मैंने, यहाँ पे मिल जाएगा, या तो इस जगह पे आपको मिल जाएगा ट्रांसलेशन, या फिर ज्योमेट्री में जाके आपको मिल जाएगा इस जगह पर ट्रांसलेशन, ठीक है। तो आप सेलेक्ट करिए, जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आता है खुल के। अब इस डायलॉग बॉक्स में आपके पास डायरेक्शंस दे रखी हैं, सबसे पहले तो तीन। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको पहले डायरेक्शन चूज करनी है कि आप इसको रिपीट करना क्या कहाँ चाहते हैं, ठीक है। तो एज यूजुअल अगर हमको बीम्स बनानी है तो हम एक्स और जेड में रिपीट करेंगे, जब हमको कॉलम्स क्रिएट करने हैं तो हम लोग वाई एक्सिस क्रिएट करेंगे। तो अभी मुझे कॉलम बनाना है, ठीक है, मुझे इसको ऊपर की तरफ रिपीट करना है, तो मैंने क्या सिलेक्ट किया वाई, ठीक है, वाई एक्सिस मैंने रिपीट सिलेक्ट किया है यहाँ पर ओवर डायरेक्शन। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स का मतलब होता है ये जो आपका नोड है इसको, या फिर अगर आपकी कोई बीम है तो आप उसको कितनी बार रिपीट करना चाहते हो, ठीक है, कितनी बार। ये एक तो अलग हो गया, अगर आप यहाँ पे एक दोगे तो इसकी एक कॉपी और बन जाएगी, अगर आप दो दोगे तो दो कॉपीज और बन जाएगी। तो अभी मैं करता हूँ एक, ठीक है। उसके बाद आती है डिफॉल्ट स्टेप स्पेसिंग। डिफॉल्ट स्टेप स्पेसिंग कुछ नहीं होता, जैसे आप यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं, ठीक है। ये जो एक बीम है, अगर मैं 5 मीटर का स्पेस देता हूँ, तो इस बीम और इस सॉरी ये जो कॉलम है, इस कॉलम और अगले कॉलम के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 5 मीटर। सिमिलरली अगर ये बीम ले लो आप, तो इस बीम और नेक्स्ट बीम के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 5 मीटर, अगर मैं 5 डालता हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लो मुझे अपने कॉलम की लेंथ है, कॉलम की जो हाइट है मेरी, उसको चाहिए 4 मीटर, बेसिकली लेंथ ही बोलूंगा मैं उसको, ठीक है। मुझे 4 मीटर की लेंथ का कॉलम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 4 मीटर डाल दिया। अब देखो दूसरी बात, अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि कहाँ की तरफ को रिपीट होगा, ऊपर या नीचे, बताइए। तो ये पॉजिटिव दिया मैंने इसलिए ऊपर की तरफ को रिपीट होगा, अगर मैं -4 करता तो इसके नीचे की तरफ को रिपीट होता। और अभी मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं एक्सिस में ओरिजिन से शुरू कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी बने वो उसके ऊपर ही बने, ठीक है। तो मैंने 4 मीटर दे दिया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जनरेशन फ्लैग्स आते हैं, पहला होता है ऑल, दूसरा होता है ज्योमेट्री ओनली, तीसरा है ज्योमेट्री प्रॉपर्टी ओनली। ऑल का मतलब होता है कि आप जैसे ये तो चलो नोड है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, अगर यहाँ पे कोई बीम होती जिसकी मैंने सारी की सारी प्रॉपर्टीज असाइन कर रखी है, सच एज लेंथ के अलावा डेप्थ ऑफ विड्थ, डेप्थ और विड्थ भी असाइन कर रखी है, ठीक है, और मैं अगर उसको रिपीट कर रहा होता तो क्या होता, जो सामने वाली बीम है उसमें भी वही एग्जैक्टली सारी की सारी प्रॉपर्टीज आ जाती अगर मैं ऑल करता, ठीक है।
उसकी लेंथ भी वही होती है, उसकी डेप्थ भी वही होती है, उसकी विड्थ भी वही होती है, उसका मटेरियल भी वही होता। ठीक है, फिर आती है ज्योमेट्री की बात। ज्योमेट्री अगर मैं कर दूं यहाँ पे ऑल की जगह, यहाँ पे एक नोड बनाया है, ठीक है, नोड बनाने के बाद मैंने यहाँ से ट्रांसलेशन रिपीट कमांड को चूज किया इधर से, या फिर ज्योमेट्री में जाके मिल जाएगा। तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स खुल के आया, इसमें मैंने डायरेक्शन चूज करी जहाँ पे मैं रिपीट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको ऊपर की तरफ रिपीट कर रहा हूँ ताकि एक कॉलम बना सकूं। उसके बाद नंबर ऑफ स्टेप्स वन, क्योंकि मैं एक ही बार रिपीट करना चाहता हूँ। अब स्पेसिंग की बात हो रही है, स्पेसिंग होगा जितनी दूरी पे अगला वाला नोड इससे प्लेस होगा। ठीक है, तो अगर मैं 4 दे रहा हूँ, उसका मतलब पॉजिटिव आई डायरेक्शन, पॉजिटिव आई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ को रिपीट होगा ये। ठीक है, तो मैंने 4 मीटर दे दिया। उसके बाद मैं इनको बता रहा था कि जनरेशन फ्लैग जो है वहां पे ऑल ज्योमेट्री ओनली और ज्योमेट्री इन प्रॉपर्टी होता है। तो ऑल का मतलब होता है कि सेम टू सेम प्रॉपर्टीज जो एक बीम की होंगी या कॉलम की होंगी वो सामने वाले में रिपीट हो जाएंगी विद मटेरियल। मटेरियल आपका कॉन्क्रीट है, आप सामने वाला स्टील बनाना चाह रहे हो वो भी कॉन्क्रीट का बन जाएगा। ठीक है, ज्योमेट्री में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी लेंथ, जो आपकी लेंथ है मेंबर की, वो सिर्फ सामने वाले में जाता है। ठीक है, और ज्योमेट्री इन प्रॉपर्टी ओनली कर दोगे तो क्या होगा, आपकी लेंथ अलॉन्ग विद विड्थ और डेप्थ, ये दोनों की दोनों चीजें आपके सामने वाले में कॉपी हो जाएंगी, उसमें मटेरियल नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग जनरली जो करते हैं, हम लोग ऑल ही लेके चलते हैं, राइट, कि हमारी जो ज्योमेट्रिक ज्यादातर रहते हैं, अगर एक कॉन्क्रीट का स्ट्रक्चर है पूरा ही कॉन्क्रीट का रहता है। ठीक है, तो हम लोग ऑल कर दिया यहाँ पे। ऑल करने के बाद आपके पास यहाँ पे दो, ये रीनंबरिंग छोड़ दोगे, रीनंबरिंग आपको नहीं करनी। आपके पास दो स्टेप्स आते हैं, एक आता है लिंक स्टेप्स और एक आता है ओपन बेस। ध्यान से सुनना, एक आता है लिंक स्टेप्स, एक आता है ओपन बेस। ठीक है, लिंक स्टेप्स का मतलब क्या होता है, जैसा कि आपको पता लग रहा होगा नाम से ही, जो स्टेप्स होंगे मेरे वो लिंक हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब जो मेरा अगला नोड बनेगा ऊपर की तरफ, वो और ये वाला नोड दोनों के दोनों एक लाइन के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे, और वो लाइन मेरी क्या होगी, वही कॉलम होगी। ठीक है, वही कॉलम होगा। तो या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, लिंक स्टेप्स को अगर ऑफ ही रखोगे दोनों रिपीट हो जाएंगे। अब मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से, ये वाला नोड है, मैंने जाके क्लिक किया ओके पे, तो आप देख रहे हो इसके जैसे एक नोड और रिपीट हो गया, और इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो यहाँ से देखोगे आप कितना है, 4 मीटर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको करता हूँ बंद और करता हूँ अंडू। अंडू कर दिया मैंने कंट्रोल सेट दबा के। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने दोबारा इस नोड को लिया और उसके बाद मैं जाता हूँ ट्रांसलेशनल रिपीट पे दोबारा। इस बार भी सेम चीज करूंगा मैं सारी की सारी। ठीक है, 4 मीटर क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जाके इस बार लिंक स्टेप्स करता हूँ। अब लिंक स्टेप्स करने से क्या होता है, जब मैं ओके दबाऊंगा तो आप लोग देखोगे ये दोनों के दोनों लिंक भी हो गए यहाँ पे। अब मुझे आप लोग बताओ कि यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कठिनाई, समझ में आया सबको जो मैंने बताया। ज्योमेट्री का मतलब होता है जो हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं ना यहाँ पे, देखो ये जो चीज आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये होती है ज्योमेट्री। ठीक है, अगर आप ज्योमेट्री ओनली पे टिक लगाते हो तो सिर्फ यही चीज कॉपी होगी। अगर आपने ये सारी बातें तब की कर रहा हूं मैं जब आप इसके अंदर प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर दो। ठीक है, देखो क्या होता है, अगर कोई भी टीम है, ठीक है, अभी आपको स्टैट प्रो के ऊपर वो कॉलम ऐसा दिख रहा है। ठीक है, स्टैट प्रो के ऊपर वो कॉलम आपको ऐसा दिख रहा है। जब मैं प्रॉपर्टीज असाइन कर देता हूं तो इसी कॉलम के अंदर देखो, अभी ये लाइन डायग्राम आपको दिख रहा है, जब मैं प्रॉपर्टी असाइन कर देता हूँ तो इसी कॉलम के अंदर आपकी एक विड्थ और आपकी एक डेप्थ भी आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो जो कॉलम होगा वो आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, वो आपका जो कॉलम होगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगा। खराब ड्राइंग के लिए माफ कीजिएगा प्लीज, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ड्रॉ करने के लिए और कोई ऑप्शन मैं आपको दिखा सकूं, तो आपका जो बनेगा वो इस तरीके से कुछ बनेगा कॉलम। समझ रहा है आपको? तो इसमें क्या होता है, आपके पास ये वाली डायमेंशन भी है और आपके पास इसमें ये वाली डायमेंशन भी है, ये जो आपको विड्थ दिख रही है। ठीक है, अगर ऐसा जब आपका प्रॉपर्टी असाइन करने के बाद कॉलम बन चुका होगा और उसके बाद अगर आप इसको रिपीट करते हैं, ठीक है, अगर इसके बाद आप इसको रिपीट करते हैं तो क्या होगा, ये मतलब अगर आप ऑल में करके रिपीट करोगे तो जो सामने वाला कॉलम होगा वो भी ऐसा ही बनेगा जैसा दिख रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ ज्योमेट्री ओनली करते हो तो सामने वाला कॉलम जो होगा वो सिर्फ एक लाइन डायग्राम आएगा और ये प्रॉपर्टी उस पर असाइन नहीं होगी। फिर अगर आप ज्योमेट्री एंड प्रॉपर्टी ओनली कर दोगे तो क्या होगा, ये तो हो गई होगा लाइन इसकी और साथ में प्रॉपर्टीज भी आ जाएगी। ऑल में क्या होता है, ऑल में इसका जो मटेरियल होगा, मान लीजिए आपने कॉन्क्रीट का बनाया है कॉलम, तो सामने वाला भी कॉन्क्रीट का बन जाएगा ऑटोमेटिकली। अब आ गया समझ में निशा, बाकी लोगों को समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूं मैं, बताइए। आगे बढ़ते हैं, अब देखो
लिंक स्टेप समझ में आ गया ना, लिंक स्टेप करने से क्या फर्क हुआ अगर लिंक स्टेप पे टिक नहीं करता मैं। हाँ नीतीश जी, पहले मेंबर सेलेक्ट करो उसके बाद ही वो आपका अप्लाई होगा। पता चला आपने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया, सारी चीजें वहां पे सेट कर दी, उसके बाद जब आप ओके करते हो अप्लाई करते हो तो आपको बोलते हैं कि पहले मेंबर सेलेक्ट करो, वहां की मेहनत बर्बाद हो जाती है आपकी। ठीक है चलिए, आप सबको, आप लोग मुझे पहले ये बताइए, आपको सबको समझ में आ गया कि लिंक स्टेप का मतलब क्या होता है? बताइए लिंक स्टेप अगर आप करेंगे और नहीं करेंगे तो उसमें डिफरेंस क्या है, समझ में आया? अब देखो अगर नहीं आया तो आप देखना, ठीक है, अब आ जाएगा आपको। अब क्या हो गया, ये पूरा मेंबर बन चुका है, ये सिर्फ एक नोड नहीं है, पूरा मेंबर बन चुका है। तो अब आप इसको करोगे सिलेक्ट, वापस से जाओगे ट्रांसलेशनल रिपीट कमांड पे। यहाँ पे जाने के बाद आप डायरेक्शन चूज करोगे। इस बार मुझे बताइए अगर इसके जैसा एक और कॉलम चाहिए, अगर मुझे इसके जैसा एक और कॉलम चाहिए इसके पैरेलल, ठीक है, तो मैं कौन सी डायरेक्शन चूज करूँ? जेड, ठीक है, तो मैं एक्स चूज करूंगा या जेड चूज करूंगा अगर मुझे पैरेलल चाहिए उसके, उसी जगह पे, उसी प्लेन में, प्लेन में, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, ग्लोबल डायरेक्शन में मैं एक्स चूज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक्स चूज डायरेक्शन करी मैंने, और उसके बाद नंबर ऑफ स्टेप्स जो है बताइए, हाँ या ना? बिल्कुल ठीक है। तो अभी मान लीजिए मुझे लेंथ ऑफ जो बीम चाहिए वो चाहिए 6 मीटर की, ठीक है, या फिर चलो 5 मीटर कर देते हैं, लेंथ ऑफ बीम मुझे 5 मीटर चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि मैं पॉजिटिव वैल्यू दे रहा हूं तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस में इसके राइट साइड में रिपीट हो गए, ठीक है। क्यों इसके राइट में क्यों होगा, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस इसके राइट साइड में पड़ेगी। अगर मैं -5 देता, -5 देता तो इसके लेफ्ट साइड में आता, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस इसके लेफ्ट साइड में होती, समझ रहे हो आप लोग? तो यहाँ पे मैंने 5 दे दिया, और 5 देने के बाद आगे मैंने यहाँ पे ऑल सेलेक्ट किया, और अब देखो अगर मैं लिंक स्टेप्स नहीं करता हूँ, अगर मैं लिंक स्टेप्स नहीं करता हूँ और ओके करता हूँ, तो आप देखोगे बिना कुछ लिंक हुए इसके जैसा एक और कॉलम कॉपी होके आ गया है, ठीक है, इसके जैसा एक और कॉलम मेरा कॉपी होके आ गया है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, कुल लिंक हो, तो मैंने कंट्रोल जेड दबा के अंडू किया, मैं गया ज्योमेट्री में, यहां से किया ट्रांसलेशन रिपीट सिलेक्ट, एक्स डायरेक्शन नंबर ऑफ स्टेप्स 1, डिफॉल्ट स्टेप स्पेसिंग 5, यहां पे बस मैं एक चेंज करूंगा, वो कर दूंगा लिंक स्टेप, ठीक है। अब देखो एक चीज, अब जैसे ही मैं यहाँ पे एक कॉलम पे आता हूँ तो एक नया चीज एक्टिवेट हो जाती है, लिंक स्टेप के साथ साथ मेरे पास एक और ऑप्शन आता है जिसका नाम होता है ओपन बेस। आप लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ओपन बेस का मतलब क्या है। अगर मैं सिर्फ लिंक स्टेप्स करूंगा यहाँ पे ना, तो क्या होगा, मेरा ये वाला नोड और ये बॉटम वाला नोड, ये दोनों के दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। देखो कैसे, मैंने ओके किया तो आप देख रहे हो मेरे ऊपर वाला नोड और नीचे वाला नोड दोनों कनेक्ट हो गए, लेकिन मैं ये चाहता नहीं था क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर का काम कर रहा हूँ एक तरीके से, जो बॉटम वाला नोड है वो कनेक्ट ना हो, वहां पे भी नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, ट्रांसलेशनल रिपीट में गया, एक्स डायरेक्शन यहाँ पे वाई, ये सब सही है। लिंक स्टेप्स के बाद मैंने ओपन बेस पे भी क्लिक कर दिया, ठीक है, और जब आप ओके करोगे तो आप देखोगे लिंक स्टेप्स में सिर्फ ऊपर वाला हुआ लेकिन जो बेस था वो खुला रह गया। अब बताओ ये चीज आपको समझ में आई सबको? अभी तक जो मैंने रिपीट किया है वो सिर्फ वाई में किया एक बार, और वाई में मैंने नोड किया था, ये बात याद रखना, और उसके बाद फिर अब मैंने किया है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो मैंने लिंक स्टेप किया तो आप लोग देख रहे हो मेरी बीम ऑटोमेटिकली बन गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, आप देखोगे यहाँ पे जो डिस्टेंस आया वो 5 मीटर का ही आया, ये जो आया था ये आया था 4 मीटर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको करूंगा सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद मुझे फिर से रिपीट करना है, तो मैं क्या करूंगा ट्रांसलेट कमांड में, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसको कौन सी एक्सिस में करना, मुझे एक 4 बीम और 4 कॉलम वाला फ्रेम बनाना है मुझे, तो मैं कौन सी एक्सिस में करूंगा बताइए? सुमन सौरभ जी, मैं 4 बीम और 4 कॉलम बोला, 2 बीम और 4 कॉलम नहीं बोला मैंने, ठीक है। तो ये जेड एक्सिस में होगा, आया समझ? तो यहाँ पे मैं जेड एक्सिस सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, एक्सिस सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है, हम देखे करिएगा। उसके बाद
नंबर ऑफ स्टेप्स पूछ रहा है आपसे, तो मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ। अभी हम मुझसे स्पेसिंग पूछ रहा है, स्पेसिंग यहाँ पे जो होगी मेरी, अब देखो इस डायग्राम के अंदर देखो, जो मेरी यहाँ पे स्पेसिंग आएगी जेड एक्सिस, तो कोई स्पेसिंग नहीं होगी जो मेरी इस बीम की लेंथ होगी, बताइए आया ना, इस बीम की लेंथ होगी मेरी, आया ना, बताइए सब लोग बताइए, बहुत बढ़िया। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मान लीजिए मुझे इधर भी इधर चाहिए मुझे तरीके से 6 मीटर की बीम, मान लीजिए ठीक है 6 मीटर की बीम चाहिए मुझे इधर, दो भी लेंथ लेना चाहो वो तो डिपेंड करेगा, उस सारे के सारे स्ट्रक्चर ड्रॉइंग्स आपके पास आएंगे, आपको उसके बाद ही करना होता सारा ठीक है। 6 मीटर की बीम ले लिया आपने, यहाँ पे आप क्या करोगे, लिंक स्टेप्स फिर से और ओपन बेस, ताकि ऊपर वाले जो है वो कनेक्ट हो जाए और नीचे वाले खुले रहे, और उसके बाद आके क्लिक करोगे ओके पे, तो आप देखोगे कि आपका इस तरीके से रिपीट हो चुका है, आया। ये होता है आपका ट्रांसलेशन रिपीट। अब देखो इसमें गलतियां क्या होगी, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, वरना हम लोगों को जब मैंने सीखा था तब हमको किसी ने नहीं बताया था, गलतियां सीख के आई हैं हमें ठीक है। अब देखो इसमें गलतियां क्या होती है, आपको पता है कि जो आपकी लेंथ है ठीक है, आपको पता है जो आपकी लेंथ है ये वाली 5 मीटर है ठीक है, और ये वाली 6 मीटर है, और ये वाली 4 मीटर है, 3 डायमेंशन है आपके पास ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्स वाई जेड, चलो मैं आपको उसको एक्स में कर देता हूँ ठीक है। आपने फ्रेम सिलेक्ट किया, गया ट्रांसलेशन रिपीट कमांड पर, और यहाँ पे आपने चूज करी अपनी डायरेक्शन एक्स, आपने एक्स एक्सिस को दिया चूज, आप सब लोग देख पा रहे होंगे किस तरफ को रिपीट हो गया ठीक है, इसके राइट साइड में रिपीट हो जाएगा पूरा का पूरा ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, नंबर ऑफ स्टेप्स अभी रहने दो बनी, अब आप स्पेसिंग देखो यहाँ पे क्या है, 5 मीटर आ रही है, ये पहले मैंने डाली थी तो 5 मीटर ही दिखा रहा है, ये वाली जो स्पेसिंग है 5 मीटर है। अगर मैं इसको चेंज करके ठीक है, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको चेंज करके 4 मीटर कर दूं, इसका मतलब समझ लो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ जो अगला वाला फ्रेम है मेरा उसमें जो ये वाली लेंथ आएगी वो 5 ना के वो 4 मीटर आए ठीक है। अगर मैं इसको 4 मीटर कर दूं और उसके बाद लिंक स्टेप्स और ओपन बेस करके कर दूं, तो आप लोग देखोगे यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, क्या सभी को दिखाई दे रही है वो गड़बड़, क्या सभी लोगों को दिखाई दे रही है गड़बड़, और ये गड़बड़ आप लोग भी करेंगे, मैं लिखते दे रहा हूँ अभी से, मैं इसको बता रहा हूँ उसके बावजूद आप लोग ये गड़बड़ करेंगे ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपको गड़बड़ को अवॉइड करना चाहते, देखो हुआ क्या है, जब आप रिपीट करते हो ना, जब आप रिपीट करते हो तो जो सॉफ्टवेयर रिपीटेशन का कमांड लगाता है वो इस पहले नोड से लगाता है, ये पहला जो नोड है यहाँ पे ओरिजिन वाला, मतलब कि ये वाला जो फ्रेम है पूरा का पूरा, उस डायरेक्ट जैसे आपको एक्स में जाना है तो वो इस वाले पूरे फ्रेम को लेकर रिपीट करेगा, अगर आपको यही जेड में जाना होता ना तो वो इस वाले फ्रेम को लेकर रिपीट करता है, इस वाले फ्रेम ठीक है। क्या होता है, उसने इस वाले फ्रेम को पहले वाले फ्रेम को लेकर रिपीट किया है, और आपने डिस्टेंस कितना दिया था 4 मीटर ठीक है, तो जो 4 मीटर पे रिपीटेशन हुआ है वो आपका, एक मिनट रुको, डिस्प्ले ऑफ, जो आपका 4 मीटर पे रिपीट हुआ है वो आपका यहां से लेके यहाँ के बीच में हो गया है, जबकि जो आपका ओरिजिनल फ्रेम था वो यहाँ से लेके यहाँ के बीच में था, पहला वाला 5 मीटर था ना, तो क्या हुआ कि इन्होंने फ्रेम रिपीट करना था वो यहाँ से ही कर दिया, इससे पहले से, तो मेरा पुराना वाला फ्रेम खत्म हुआ नहीं, आपने ये वाला नया वाला शुरू कैसे कर दिया, है कि नहीं सही बात है ना। और ये वाला देखोगे आप, ये वाला 5 मीटर आएगा यहाँ से ठीक है, तो ये गलती अवॉइड करनी है। इसको सही कैसे करते हैं, अगर आप बनाना चाहते हो ठीक है, तो आप इसको सही कैसे करते हैं, आप पहले तो कंट्रोल जेड ठीक है, आप करो इसको सिलेक्ट, इसके बाद आप जाओ यहाँ पे ट्रांसलेशनल रिपीट कमांड में, एक्स एक्सिस में करना चाहते हो, नंबर ऑफ स्टेप्स आपके वन है, जितना आपका फ्रेम का लेंथ था यहाँ पे 5 मीटर का, एक बार इससे बड़ा देखे देखो आप, और लिंक स्टेप्स और ओपन बेस कर दो और ओके कर दो, देखो फिर से वही प्रॉब्लम आई है। जब तक आप पूरा फ्रेम सिलेक्ट करके कर रहे हो तो आपको इक्वल डिस्टेंस ही देना पड़ेगा, इस बात को समझ लो, क्यों, अब देखो क्या हुआ, ये पहला वाला फ्रेम था ये रिपीट हुआ इस जगह पे जाके, और ये वाला फ्रेम था वो रिपीट हुआ यहाँ पे, इसलिए ये बीच में थोड़ा सा गैप आ गया ठीक है, ये बीच में गैप आ गया, और तो इससे आपके एनालिसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे क्या होगा, आपके जो मटेरियल आ रहे हैं ना एक्स्ट्रा, ये बीम और ये बीम, ये बीच की बीम्स आई है दोनों, ये वाली और ये वाली, ये एक्स्ट्रा आ जाती है, और फिर आपका मटेरियल एक्स्ट्रा लगता है, अगर मटेरियल एक्स्ट्रा लगता है तो अगर ये एक फ्लोर में हो रहा है तो 10 फ्लोर में सोचो कितना एक्स्ट्रा मटेरियल लगेगा, समझ लो बात को। और हम जो हमारा सॉफ्टवेयर यूज करने का पर्पज है वो यही है कि हमें मटेरियल में कॉस्ट कटिंग करनी है,
कम से कम कॉस्ट में हमें सेफेस्ट स्ट्रक्चर को डिजाइन करना होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, दोबारा से कंट्रोल चेक करूंगा। अब देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। जब भी आप पूरा फ्रेम लेके ये ट्रांसलेशन रिपीट कर रहे हो, इस बात का ध्यान रखो कि यहाँ पे जो आप नंबर ऑफ स्टेप डालोगे ना वन, उसके बाद जो स्पेसिंग डालोगे वो स्पेसिंग उतनी ही होनी चाहिए जितनी पहले वाले फ्रेम के बीच में, समझ गए। वो स्पेसिंग उतनी ही होनी चाहिए जितनी आपकी पहले वाले फ्रेम के बीच में थी। तो यहाँ पे आपकी कितनी है, 5 मीटर, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, लिंक स्टेप्स ओपन बेस और ओके, तो आप देखोगे आपका बिल्कुल सही रिपीट हो गया, दिक्कत नहीं, आपका फ्रेम एकदम परफेक्ट रिपीट हुआ। बताइए क्या स्टेटस है, आया कि नहीं आया। दूसरा तरीका क्या है, मैं वापस से कंट्रोल जेड करता हूँ। अगर आप पूरे फ्रेम को सिलेक्ट करके कर रहे हैं तब तो आपको इक्वल डिस्टेंस देना पड़ेगा, जितना डिस्टेंस यहाँ पे था उतना ही डिस्टेंस आपको पीछे भी देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे अगला वाला जो फ्रेम हो उसका साइज अलग रहे, तो उसके उसके कॉलम्स के बीच में 5 या 6 मीटर का गैप, मतलब 5 मीटर का गैप ही ना देना पड़े, तो देखो कैसे करते हैं। आप सबसे पहले जाके करो व्यू, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू पे जाने के बाद आप करो इसको सिलेक्ट, कर लिया। फिर जब आप वापस आइसोमेट्रिक व्यू पे आओगे तो आप देखोगे कि आपका सिर्फ बाहर वाला जो फ्रेम है वही सिलेक्ट हुआ, ठीक है। इसके बाद आप जाओगे ट्रांसलेशन रिपीट कमांड, यहाँ पे आप एक्स एक्सिस में करना चाहते हो रिपीट, नंबर ऑफ स्टेप्स 1 है आपके। अब आप स्पेसिंग 5 के अलावा कोई और सी दे सकते हो, 4 मिनट, या मैंने 4 सेलेक्ट करा, लिंक स्टेप करा, ओपन बेस करा और ओके कर दिया, तो आप देखोगे कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं आई, अब आपका जो फ्रेम है वो एकदम परफेक्ट है। बताइए क्या ये बात भी समझ में आई, सब कठिनाई तो नहीं बात को समझने में, अलग क्या किया है। ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकते क्यों, कौन सा आर्टिकल कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जी क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी बात क्लियर नहीं। बताइए नीतीश, आपके मन की शंका क्या है वो बताइए मुझे, ऐसे सेलेक्ट क्यों नहीं कर सकते। अच्छा आप बोल रहे हो आइसोमेट्रिक व्यू से नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखो अगर आप कर पाओ सेलेक्ट, अगर आप ऐसे ड्रैग करके कर पाओ सेलेक्ट, बिल्कुल कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो, एक एक करके चूज कर लो, ऐसे ऐसे और ऐसे, बिल्कुल कर सकते हैं, तब भी वही सिलेक्ट होगा जो अभी मैंने किया था। मैं तो आपको सिंपल बताने के लिए कर रहा था, यहाँ पे अलग अलग करना पड़ेगा आपको, ठीक है, वरना आसपास की बीम्स भी सिलेक्ट हो जाएंगी आपकी। ये देखो तो मैंने इसलिए आपको फ्रंट व्यू पे ले गया, सीधा ड्रैग करके एक बारी में करो सिलेक्ट और बात करता हूँ, ठीक है नीतीश। ये था आपका राउट, सुमन आपका राउट क्लियर हो गया। आइसोमेट्रिक व्यू में आप बिल्कुल कर सकते हो, एक साइड का कॉलम ये लो, ये कर लो, ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है। बताइए कौन सा रॉप, क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखो ये अभी तक जो मैंने किया, अब ये फ्रेम बनता सा नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको पूरे को सिलेक्ट करूंगा ऐसे, ये पूरा सिलेक्ट कर लिया मैंने। इसके बाद में फिर से गया ट्रांसलेशन रिपीट कमांड में, ये सिलेक्ट किया, अब मैं इसको पीछे की तरफ करना चाहता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं इसको पीछे करना चाहता हूँ, आगे नहीं, ठीक है। तो मैंने जेड एक्सिस सिलेक्ट करी, ठीक है। अब देखो क्योंकि अब मुझे आप लोग ये बताओ कि क्योंकि मैंने पूरा पोर्टल फ्रेम सिलेक्ट किया है, तो मुझे यहाँ पे डिफॉल्ट से स्पेसिंग क्या देनी है, बताइए। नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा दे लीजिए, 2 कर दिया, और आप मुझे स्पेसिंग बताओ यहाँ पे क्या देनी होगी, सब लोग बताओ, सब लोग बताइए मुझे स्पेसिंग क्या देनी होगी, क्योंकि मैंने पूरा फ्रेम सेलेक्ट किया है। नीतीश क्या है बताओ ना, वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, क्या है गलत। मिली राहुल गलत, चंदन बिल्कुल गलत, गलत कौशल, ठीक है। हमारी यहां से लेके इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आप के देख लो ना, अगर आपको डाउट हो रहा है। पहले आप एक्सिस भी देखो कहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, ये 6 मीटर है, तो मुझे इसके पीछे अगर रिपीट करना है तो मैं यहाँ पे क्या वैल्यू दूंगा, बताओ, बताइए। बिल्कुल सही, तो नेगेटिव में आएगा,
है, -6 हो गया। क्यों? क्योंकि नेगेटिव जेड एक्सिस मूव कर रहे हो, इसके आगे की तरफ नहीं कर रहे हो, इसके पीछे की तरफ कर रहे हो। समझ में आया? तो -6 दोगे आप यहाँ पे, लिंक स्टेप्स, ओपन बेस, ऑल, और उसके बाद ओके, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा रिपीट। आया? अब देखो, अब देखिए, अगर आप अब करेंगे वाई एक्सिस, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले इसकी बात में पता होना चाहिए कि ये कितना है। तो आप लोग देख रहे हैं 4, ठीक है, ये है 4 मीटर। अगर मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ट्रांसलेशन रिपीट में जाके वाई एक्सिस में रिपीट करना चाहता हूँ, नंबर ऑफ ले लो 2 या 3, तो मुझे आप स्पेसिंग बताइए यहाँ पे कितनी आएगी, बताइए आप लोग, बताइए कितनी स्पेसिंग आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव 4, ठीक है। अब आप लोग, मुझे लगने लग गया है कि आप लोगों को डायरेक्शन की बातें काफी क्लियर हो गई, ठीक है, इसलिए ही मैं आपको इतना डायरेक्शन पे एम्फेसिस दे रहा हूँ, डायरेक्शन का खेल बहुत ज्यादा है। और अभी जब लोडिंग आएगी तो आप लोग देखेंगे और मजा आएगा आपको, अगर डायरेक्शन समझ में आ चुकी होगी ना आपको, वो समझने में और ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देंगे पॉजिटिव का 4, ठीक है, अगर आप ऐसे करना चाह रहे हो पूरा फ्रेम सिलेक्ट करके, और फिर यहाँ पे लिंक स्टेप्स करेंगे, ओपन बेस का यहाँ पे आएगा ही नहीं आपको, ठीक है, ओपन बेस का आपको आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बेस खत्म हो गया ना, बेस तो सिर्फ ग्राउंड पे था, बेस की बात ही खत्म हो गई, अब तो कनेक्ट होगा ही होगा। ओके पे क्लिक करो, आपका बन गया फ्रेम, देखिए आपका फ्रेम हो चुका तैयार, ये फ्रंट व्यू आपका, ये टॉप व्यू आपका, और ये आइसोमेट्रिक। आया? अब अगर आप चाहते हो कि ऊपर के फ्लोर्स पे हाइट कम करूं मैं, तो क्या करेंगे आप, तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले फ्रेम को ही सिलेक्ट करेंगे। कैसे? आप आएंगे फ्रंट व्यू पे, ठीक है, फ्रंट व्यू पे आने के बाद आप करेंगे ऐसे सिलेक्ट, और आप देखेंगे आपका हो गया सारा सिलेक्ट। दूसरा तरीका क्या है, मैंने आपको कल पढ़ाया था, सेलेक्ट में जाएंगे, बीम्स पैरेलल टू, कौन सी होंगी बताइए, बताइए सब लोग, कौन कौन सी बीम सेलेक्ट करूंगा मैं इसमें, बताइए। अच्छा, केस नहीं है, जेड गलत, अभिनंदन गलत, नीतीश गलत, सिर्फ अवनीश जी ने सही जवाब दिया अभी तक, सिर्फ अवनीश जी ने सही जवाब दिया है। आप लोग सिर्फ एक्स सोच रहे हो यहाँ पे, एक्स तो ये वाली है, ये वाली कौन सी है जो पीछे की तरफ जा रही है, जेड है ना वो, तो यहाँ पे कौन सी करोगे, बीम्स पैरेलल टू एक्स, उसके बाद देखो एक्स में कौन सी हुई, अभी जेड वाली रह गई, फिर जाओगे फिर करोगे बीम्स पैरेलल टू जेड, हो गई बताइए, हो गई कि नहीं हो गई सिलेक्ट, सबको आ रहा है समझ में, जो सिलेक्ट वाला ऑप्शन था कितना यूजफुल है, अब समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। दो तरीके बताए, या तो आप ऐसे कर लो, या फिर फ्रंट व्यू में जाओ और ये वाली बीम सिलेक्ट कर लो सर, ऐसे ट्रैक करके, तो आपकी सिर्फ बीम्स हो जाएंगी, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, ट्रांसलेशन रिपीट कमांड, कौन सी एक्सिस, एक्सिस बताइए, एक्सिस बताइए, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में नंबर ऑफ स्टेप्स जितने आप फ्लोर बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेसिंग आपकी जो मर्जी को दे सकते हैं, ठीक है, अब नहीं है आपको कि 4 मीटर ही देना है, आप देना चाहे 3-3 मीटर की हाइट, 3-3 मीटर की हाइट भी दे सकते हैं। अगर आप चाहें कि हर एक फ्लोर की अलग हाइट हो, तो कैसे करोगे, देखो नंबर ऑफ स्टेप्स कम कर दो, ठीक है, इस वाले फ्लोर की हाइट होगी आपकी मान लो 4 मीटर, आप या फिर चलो ठीक है 4 मीटर कर दिया आपने, या फिर चलो 3 मीटर कर दो, ठीक है, उसके बाद आपने कर दिया लिंक स्टेप और कर दिया ओके, तो आपका जो अगला वाला फ्लोर आया वो छोटा आया, देखो ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले फ्लोर को रिपीट करना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करो, ये सिलेक्ट करने के बाद आपको रिपीट पे, रिपीट पे करने के बाद वाई एक्सेस, नंबर ऑफ स्टेप 1, और स्पेसिंग कितनी 2 मीटर कर दी मैंने, और कम, लिंक स्टेप कर दिए, ओके कर दिया, तो आपका अगला वाला फ्लोर और छोटा आ गया, ठीक है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि अगर इक्वली हमें बढ़ाना है तो पूरा पूरा फ्रेम करके मैं कर सकता हूँ, फिर मुझे नीचे जो हाइट दी थी वही सेम देनी पड़ेगी, और अगर मुझे अलग अलग करना है तो फिर आपको सिर्फ टॉप फ्रेम सेलेक्ट करके रिपीट करना पड़ेगा। बताइए, ट्रांसलेशनल रिपीट सबको क्लियर हो गया एकदम, बेस से लेके ऊपर तक, इसमें एक भी चीज ऐसी नहीं बची अब जो ना आप लोग ना कर पाए, बताइए। नोड का कोई ग्लोबल डायरेक्शन नहीं होता सौरभ, नोड का कोई भी ग्लोबल डायरेक्शन नहीं होता, नोड एक पॉइंट है ना,
अब पॉइंट क्या होता है, पॉइंट तो 3D में नहीं होता, पॉइंट क्या होता है, वन डायरेक्शनल होता है, जिस जो चीज ही वन डायरेक्शनल है, ठीक है, वन डायरेक्शनल जो चीज है उसका ग्लोबल डायरेक्शन बताई नहीं, वो एक वो मतलब वो वन डायरेक्शनल भी नहीं है एक तरीके से, पॉइंट एक बस एक डॉट है, तो डॉट वो सारे डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं एक तरफ, ठीक है, नोड कैसा है सर्कुलर मान रहे हैं हम लोग, सर्कल सारे डायरेक्शन में फेस करता है, तो उसका आप बता ही नहीं सकते। हाँ, नोड का सिर्फ कोऑर्डिनेट हो सकता है, नोड की एक लोकेशन हो सकती है, उसका डायरेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, तो अगर आप वेक्टर स्केलर की बात करेंगे तो क्या कैसी क्वांटिटी हो गई बताओ, वेक्टर और स्केलर की बात करो तो नोड कैसी क्वांटिटी हो गई, एक नोड के ऊपर में सेम नोड बनाने के लिए ग्लोबल डायरेक्शन वाई क्यू किया, क्योंकि दूसरा नोड था ना उसकी डायरेक्शन देनी जरूरी थी मेरे को। बिल्कुल सही, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। हाँ जी सुमन जी, जो मेरा नोड था उसको जब मैं रिपीट कर रहा था वो रिपीट करने के लिए डायरेक्शन देनी जरूरी थी मेरे को, ठीक है, अब समझ में आया आपको, वरना मैं डायरेक्शन नहीं दूंगा तो रिपीट ही कहाँ होगा ये बताओ मुझे, भैया डायरेक्शन तो दिखानी जरूरी है ना, तो ही स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में शायद आपको डिफरेंस क्लियर नहीं है, आप बता रहे हो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसके साथ। हाँ हाँ सौरभ जी बिल्कुल, लोकल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको लोकल और ग्लोबल का ज्यादा कॉन्सेप्ट आने की जरूरत नहीं है, आप जो डायरेक्शन चूज कर रहे हो रिपीटेशन में वो वहां पे तो ट्रांसलेशन रिपीट में ग्लोबल डायरेक्शन ही आती है, वहां पे लोकल डायरेक्शन आती ही, ठीक है। चलिए तो ये था आपका ट्रांसलेशनल रिपीट, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा क्या, पूरा अंडू कर देता हूँ यहाँ से, ये आ गए वापस यहाँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा अगला कमांड जिसका नाम है सर्कुलर रिपीट, ठीक है, जैसा अभी हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है, जैसा हमने यहाँ पे देखा था जब ट्रांसलेशनल रिपीट करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिपीटेशन होता है, या तो एक्स में या वाई में या फिर जेड में। यहीं पे अगर हम सर्कुलर रिपीट की बात करें तो ये आपका एक्सिस, ठीक है, ये आपका एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो अगर आपसे बोल आप अगर सर्कुलर रिपीट करते हुए एक्स एक्सिस को सिलेक्ट करते हैं, उसका मतलब पता क्या होगा, उसका मतलब होगा कि आप एक्स एक्सिस के अलोंग, ऐसे एक्स एक्सिस के अलोंग किसी भी चीज को सर्कुलरली रिपीट कर रहे हैं, जो रिपीटेशन होगा वो ऐसे गोल होगा, अगर आप वाई के अलोंग कर रहे हैं तो वो इस तरीके से गोल रिपीटेशन होगा, अगर जेड के लॉन्ग होगा वो इस तरीके से गोल रिपीटेशन होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर जीरो डिग्री एंगल की बात हो रही है, मान लो मैं इसको जीरो मान रहा हूँ तो जीरो डिग्री ये हो गया, ठीक है, अगर 90 डिग्री करोगे तो 90 डिग्री आपको यहाँ पे खत्म होगा, 180 डिग्री आपको कहाँ पे खत्म होगा, इस जगह पे ऊपर इसके बराबर जीरो के, और थ्री मतलब 180 और यहाँ नहीं होगा आपका, 90 का ऑपोजिट होगा यहाँ पे, फिर आएगा 270, फिर आएगा 360, 360 आपका कहाँ खत्म होगा, इधर, ठीक है। तो ये जीरो हो गया, ये 90 हो गया, ये आपका हो गया 180, ये हो गया 270 और ये हो गया आपका 360, ठीक है, ये चीज आपको अंदर समझ में आएगी, अभी इतना दिया, बस ये समझ लो कि रोटेशन कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे मेरा फ्रेम है, ठीक है, ये मेरा फ्रेम है, मैं आपको सर्कुलर रिपीट एक बार फिर भी बताऊंगा दोबारा, जब हम लोग कर रहे होंगे अपना वाटर टैंक, सर्कुलर वाटर टैंक करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। तभी देखो तो आगे चीजें आने वाली है ना, उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो हम सारे बेसिक्स कमांड सीख रहे हैं वो सीखते रहें और पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए वो, जब एक एक चीज क्लियर हो जाएगी तो आगे करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। करूंगा इस करूंगा ये करूंगा, ये पूरा फ्रेम सेलेक्ट मैं यहाँ पे करूंगा फ्रेम सेलेक्ट। अब इस फ्रेम को सेलेक्ट करने के बाद आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, सर्कुलर रिपीट पूरा आपके आंखों के सामने, या फिर यहां से मिल जाएगा, अगर आपको यहां से नहीं मिल रहा है किसी कारणवश तो आप जाएंगे ज्योमेट्री के अंदर, ज्योमेट्री में जाके आपको यहां मिल जाएगा ट्रांसलेशनल के नीचे सर्कुलर रिपीट, ठीक है, सर्कुलर रिपीट आप करेंगे यहां से सिलेक्ट, जब आप करते हैं यहां से सिलेक्ट तो आपके पास खुल के आता है ये डायलॉग बॉक्स, आपके पास खुल के आता है ये वाला डायलॉग बॉक्स, इस डायलॉग बॉक्स में आपसे पूछा जाता है एक्सेस रोटेशन बताइए। अब आप इस डायग्राम में देखिए, अगर आप वाई एक्सिस ऑफ रोटेशन चूज कर रहे हैं तो इसका मतलब पता है क्या, ये आपकी वाई एक्सिस है और इस तरीके से आपका रिपीटेशन होगा, देख रहे हो, तो आप देख रहे हो इस तरीके से आपका रिपीटेशन होगा, तो आपने वाई एक्सिस चूज करी, एंगल कितने एंगल से रोटेट करना चाहते हो, ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ आपको 180 डिग्री का एंगल लेके चल रहा हूँ, मतलब की आधा सर्कल घूमेगा, सेमी सर्कल बनेगा। नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे, मतलब की आप यहाँ पे देख रहे हो
डायग्राम के अंदर ये पहला फ्रेम है, जो इसका अगला वाला है वो स्टेप वन है, पहला स्टेप है, उसका अगला वाला स्टेप टू है। तो मैं यहाँ पे कितने करने चाह रहा हूँ, ऐसे छह स्टेप्स रिपीट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताओ, अगर टोटल एंगल 180 डिग्री में घुमा रहा हूँ उसको, और हर एक और टोटल नंबर ऑफ स्टेप सिक्स है, तो हर एक स्टेप के बीच में कितना कितना एंगल होगा, जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला यहाँ पे कितना कितना एंगल होगा, आप लोग मुझे बताइए हर एक स्टेप के बीच। बिल्कुल ठीक है, एंगल होगा 30 डिग्री। कैसे, किसी को अगर समझ में ना आ रहा कैसे निकाला, 180 डिग्री घुमा रहा हूं, नंबर ऑफ स्टेप तो एक स्टेप के बीच में एंगल होगा 180 बाई 6। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको अगर स्टेप्स लिंक करने हैं, देखिए फिर से, ठीक है, ये स्टेप अगर लिंक करने ऊपर वाले, तो आप लिंक स्टेप कर दो, ओपन बेस कर दो, और यहाँ पे आके क्लिक करोगे इस पे, ओके पे। ये चीजें तो सेम है, ट्रांसलेशन जैसी ही है। उसके बाद आप ओके पे क्लिक करोगे, तो आप पाओगे कि आपका ये 180 डिग्री से रोटेट कर गया, और आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स आ गए। बताइए किसी को कोई कठिनाई, कुछ भी समझने में कोई दिक्कत आई इसमें? सिंपल है ना, देखो फिर से करते हैं एक बार, हो सकता है कुछ लोगों को डाउट हो। तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, फिर गया मैं सर्कुलर रिपीट, यहाँ पे सर्कुलर रिपीट पे गया। यहाँ पे जाने के बाद आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन ले ली। मैं आपको एक्स वाई पे इसलिए दिखा रहा हूँ, एक्स और जेड पे अगर ये रोटेट कराऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा क्या बन गया, ठीक है, वाई में बेस्ट समझ में आएगा, आप एक्स और जेड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इस बार एंगल लेता हूँ मैं 360 डिग्री, ठीक है, इस बार एंगल लेता हूँ मैं 360 डिग्री। अब मुझे बताइए, अगर मुझे हर एक स्टेप के बीच में जो एंगल है, हर एक स्टेप के बीच में जो एंगल है, ठीक है, अगर वो मुझे चाहिए मान लो आपको 20 डिग्री, हर एक स्टेप के बीच का एंगल अगर मुझे 20 डिग्री चाहिए, तो मैं नंबर ऑफ स्टेप्स कितने डालूं बताओ? 18, ठीक है, सिंपल 18 डाले मैंने, 18 के बाद यहाँ पे लिंक स्टेप कर दिया और ओपन बेस कर दिया, और उसके बाद जाके ओके कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे कि आपका पूरा सर्कल बन गया पूरा। अब आप जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स डालोगे उतनी ज्यादा सर्कुलर वाली फील आएगी। अगर आप नंबर ऑफ स्टेप्स कम करोगे ना, तो ये स्ट्रेट नहीं होती बेसिकली लाइन, ये जो लाइनें बनी हुई हैं आप देखोगे ये अलग अलग कंपोनेंट्स की स्ट्रेट लाइंस बन के जुड़ के बनी हुई, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं है, लेकिन जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स आप डालोगे उतने ज्यादा सर्कुलर दिखेगा। आगे सबको समझ में, कोई पूछ रहा था अभी, मिली शायद आप पूछ रहे थे कि एक्स में कैसा दिखेगा, देखो करा इसको, यहाँ पे गए सर्कुलर में, आपने कर दी एक्स एक्सिस कर दी उसकी रोटेशन, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपने कर दिया 180, नंबर ऑफ स्टेप्स 4, लिंक स्टेप्स, और कर दिया ओके। तो ये इस तरीके से घूम जाएगा, देख रहे हो, इस तरीके से ये घूम जाएगा, समझ में आ रहा है, फ्रंट व्यू से देखो, सॉरी लेफ्ट व्यू से देखो, इस तरीके से हो गया, समझ रहे हो बात को जी अशोक? हाँ, ये सर्कुलर टैंक में अच्छा खासा यूज होगा ये वाला, सर्कुलर टैंक में बढ़िया एकदम मजा आ जाएगा करके। अब आप क्या पूछ रहे हैं, इसमें वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या था? वाई और जेड कुछ नहीं था, तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या थे इसमें, ग्रिड ऑन करो, वाई आपका ये 4 तक गया है, ठीक है, और जेड 0 है। बाकी अगर आप इसको रिपीट कर रहे थे तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट यहाँ पूछे ही नहीं उसने इसमें, सर्कुलर रिपीट में ही तो खोला है मैंने, कहाँ पे दिख रहा है आपको वाई और जेड कोऑर्डिनेट, ये वाला बोल रहे हो पॉइंट? ये कुछ नहीं होता, देखो ये आपसे पूछ रहा है कि आप अगर एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट डाल दोगे ना, जैसे एक्स और जेड का, सॉरी, तो एक्स और जेड का कैसे होगा, अगर ये मान लो एक चौतरफा फ्रेम होता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए, मतलब मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो ये वाले हो गए आपके इस तरफ को जो जा रहे हैं, और जेड कोऑर्डिनेट इस तरफ को जो जा रहे हैं, अगर आप उनकी वैल्यू डालोगे उसके अलॉन्ग ही रिपीट होगा वो, ठीक है, उसके अलॉन्ग ही रिपीट होगा वो। तो मैं उससे बढ़िया क्या करता हूँ, मैं ये पॉइंट ही चूज कर लेता हूँ, इस पॉइंट को चूज करके आप यहाँ पे कर दोगे अगर, तो इसके अलॉन्ग ही रिपीट होगा, ठीक है। अब आप खुद देख लो, यहाँ पे लिंक स्टेप्स कर दिए, ओपन बेस कर दिए, और
मैंने इसको सिलेक्ट कर रखा, ओके कर दिया। तो इस पॉइंट के अलोंग वो देखो ये वाला पॉइंट जो है ना वो वहीं का वहीं रह गया, उसके अलोंग पूरा पूरा रिपीटेशन हो गया, वो एक सर्कुलर से ज्यादा रेक्टेंगुलर हो गया। अब रेक्टेंगुलर क्यों हुआ, क्योंकि मैं नंबर ऑफ स्टेप्स ही चार दिए थे। देखिए अगर मैं नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा देता तो वो चार की जगह 18 या 20 कर देता तो वो ज्यादा सर्कुलर दिखता। ठीक है, क्यों होता है और कुछ नहीं होता, बताइए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आप आगे के ऑप्शन देखते हैं कुछ हम। ठीक है, किया ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप गए सर्कुलर रिपीट पे, यहाँ पे आप वाई एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करना चाहते हो, टोटल एंगल 360, नंबर ऑफ स्टेप बढ़ा दो बस आप। ठीक है, नोड मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से। नोड को सिलेक्ट करने का मतलब पता है क्या होता है, कि मैं एक नोड प्रोवाइड कर रहा हूँ जो जहां पे आपकी एक्सिस फिक्स हो जाएगी और फिर उसके अलोंग ही रोटेशन चलेगा पूरा का पूरा। ठीक है, अब आपने क्या किया, ओके कर दिया। देखो आपकी नोड फिक्स हो गई है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला नोड फिक्स हो गया था तो इसके अलोंग सब सारे के सारे जो स्टेप्स बने वो इसके अलोंग ही बने हैं, इससे ही कनेक्टेड है सारे के सारे। ये सेम चीज है जो मैंने पहले बताई थी, बस आपको क्या होता है कई बार कुछ प्रॉब्लम्स अगर आ रही हो बनाने में, बीच में गैप क्रिएट हो जाता है तो उसकी वजह से फिर आप उसमें क्या करो, ये वाला ऑप्शन चूज करो। वरना बीच में कई बार, जैसे कल मैं लास्ट वाले बैच में करा रहा था तो उसमें बीच में यहाँ पे क्या हो गया था, एक सर्कुलर प्लेट क्रिएट हो गया था। ठीक है, उसको ठीक करने के लिए मैंने फिर इस वाले ऑप्शन को यूज किया, ठीक हो गया। ठीक है, चलिए आइए आगे करते हैं। अगला ऑप्शन जो हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे वो है आपका मूव मिरर और रोटेट। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखना, मूव मिरर और रोटेट। तो क्या करते हैं उसमें, आपने मान लीजिए इसको किया सिलेक्ट पूरा फ्रेम, अभी आपको मूव करना है। आप एक काम करो, इसके लिए ग्रिड भी ऑन कर लो ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगता रहे कि कहाँ पे किधर को जा रहा है वो मूव करके। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे आप गए ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री में जाने के बाद आपके पास ये ऑप्शन होता है मूव। ठीक है, अब देखो मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, आप लोग क्या करा करो, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने सिलेक्ट किया पहले फ्रेम, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले फ्रेम सिलेक्ट किया, तो आप लिख लो ऐसे सिलेक्ट फ्रेम, फिर एरो लगाओ, एरो के बाद लिखो गो टू ज्योमेट्री। ठीक है, या फिर गो टू ज्योमेट्री मतलब सिर्फ ज्योमेट्री लिखो, फिर ज्योमेट्री के बाद एरो लगाओ, फिर लिखो मूव। इस तरीके से अगर नोट्स बनाओगे ना वो आगे तक आपके साथ रहेंगे और हमेशा आपको याद आता रहेगा कि किस तरीके से मैंने किया था। उसको देख देख के प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो आपने जैसे ले लिया मूव, ज्योमेट्री में जाने के बाद मूव लिया, मूव में आपके पास आ रहे हैं तीन ऑप्शन। ठीक है, ऑल्दो तीनों ऑप्शन का फंक्शन एक ही है लेकिन मैं आपको अलग अलग तरीके से बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। पहला ऑप्शन आपका आता है जॉइंट का। ठीक है, तो ये जॉइंट वाला ऑप्शन है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जॉइंट को ही यूज करता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या किया, नोड कर्सर को ले लिया, नोड कर्सर से मैंने सारे नोड सेलेक्ट कर लिए, दिख रहे हैं आप लोगों को। मैं गया यहाँ से ज्योमेट्री में और मैं गया मूव। अब आप जाएंगे इस जॉइंट के ऊपर, जॉइंट पे क्लिक किया आपने, आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखा रहा है, पहला बाई डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग टू नोड्स। ठीक है, फॉलोइंग टू नोड्स के बीच का आपको डिस्टेंस प्रोवाइड करना है, तो अगर आप करना चाहो यहाँ पे, ठीक है, आपको नोड नंबर वन और नोड नंबर टू यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, जो डिस्टेंस है वो मेंशन करना पड़ेगा आपको, राइट। तो ये वाला ऑप्शन, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे नोट्स बनाने पड़ते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा नोट है नहीं, राइट, तो मैं इसको जनरली चूज ना करके मैं ये वाला चूज करता हूँ, बाय द फॉलोइंग एक्स वाई एंड जेड वैल्यू। ठीक है, ये ज्यादा सिंपल भी है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे जब भी मूवमेंट होता है, एक बात को याद रखना, जब भी मूवमेंट होता है तो जो ओरिजिन वाला जो पॉइंट है आपका ये वाला, इसके अलावा इसकी वजह से होगा, मतलब इसको ध्यान में रखते हुए करिएगा। अब अगर मैं चाहूं कि मैं इसको x में 2 मीटर से मूव करना चाहता हूं, मैंने यहां 2 लिख दिया, ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा कि ये यहां से x एक्सिस पर 2 मीटर मूव कर जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, जब मैंने ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये x एक्सिस पर 2 मीटर से मूव कर गया। उसके अलावा आपका y एक्सिस पे वहीं का वहीं है, और अगर आप व्यू चेंज करके देखेंगे, ठीक है, अगर आप व्यू चेंज करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि z एक्सिस पर वहीं है जगह पर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने फिर यह भी सिलेक्टेड ही है, मैं फिर से गया ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री में जाके फिर से गया मूव के अंदर जॉइंट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं वाई एक्सिस पे मूव करना चाहता हूँ, वाई एक्सिस पे मान लो मैं 4 मीटर पे मूव करना चाहता हूँ, और उसके बाद, ठीक है, 4 मीटर मतलब ये यहाँ से उठ के 4 मीटर पे आ जाएगा। उसके बाद मैंने ओके पे क्लिक किया, तो आप देखोगे कि
ये जीरो यहाँ पे था, जीरो वाई इक्वल टू जीरो पे था, वाई इक्वल टू जीरो से उठ के वो चार पे आ गया, ठीक है। तो हमेशा आपको ये पॉइंट अपने ध्यान में रखना, ये हमेशा इसको ध्यान में रखना, तभी आप सही से मूव कर पाओगे एग्जैक्टली जहां आप करना चाहते हो, ठीक है। अब मुझे देखो ये वाई एक्सिस पे उड़ गया, अब मुझे ये जेड एक्सिस पे लाना है, मुझे जेड एक्सिस पे लाना है, तो आप ज्योमेट्री में जाएंगे, ज्योमेट्री में जाके ये ऑप्शन जो है ज्वाइंट वाला, हाँ सारे नोट मूव करेंगे तब ये चीज, नहीं आप एक को भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप एक को भी कर सकते हो, अभी 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 दिखाता हूँ। आप गए ज्वाइंट पे, अरे जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना उतना सिलेक्ट करो, मैं ये नहीं बोल रहा आप सारे सिलेक्ट करो, अगर आपको मूव करना है एक जो एक नोड को भी वो भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जेड में मान लो आपको मूव करना है 2 मीटर, आपने किया ओके, तो अब आप देखेंगे कि ये आगे आ गया, अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो आप व्यू चेंज करो लेफ्ट साइड में, और ये देखो आपका जेड एक्सिस पर आगे की तरफ को आ गया, ठीक है। अब आप लोग पूछेंगे कि इसको वापस ठीक कैसे करें, वापस अगर मुझे मूव करना है वापस से जाओ ज्योमेट्री में, मूव में जाओ, यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले मैं मूव करना चाहता हूँ वापस से जेड, ठीक है। तो अभी क्या था, ये 2 मीटर मूव हुआ, तो मुझे वापस से -2 करना पड़ेगा, और आप क्लिक करो, ये वापस अपनी जगह पे चला गया, देखो आ गया, जितना जितना आपने आगे बढ़ाया था उतना उतना नेगेटिव देना पड़ेगा, वापस से जाओ वाई पे, कितना -2 सॉरी -4 किया था ना, ओके करा, देखो आ गया, सेम वापस जाओ मूव जॉइंट, एक्स कितना किया मैंने -2, ठीक है ओके आ गया, ठीक है। अब आप लोग पूछ रहे हो कि क्या सिर्फ एक नोड को भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये मैंने सिलेक्ट किया ये वाला नोड, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या है अभी बताओ, इसकी लोकेशन क्या है, 5 4, ठीक है, एक्स एक्सिस में 5 मीटर है, वाई एक्सिस में 4 मीटर है, तो आपको ये मूव करना है, आप जाओगे ज्योमेट्री पे, जाओगे मूव पे, हाँ वहां से भी कर सकते हो कौशल जी, कंट्रोल जेड से भी कर सकते हो, आप जाओगे मूव पे, मूव में जाके आप जाओगे एक साथ सारे के डायरेक्शन को देख के, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं रोहित जी, आप सारे के सारे डायरेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप मूव पे गए जॉइंट में, आपने जो जॉइंट सेलेक्ट किया हुआ आपको वो मूव करना है, ठीक है। अब आप कहाँ मूव करना चाहते हो, आप इसको यहाँ से हटा के ना आप इधर लाना चाहते हो, ठीक है, आप इसको यहाँ से हटा के इधर लाना चाहते हो, या फिर आप इसको यहाँ से खींच के यहाँ लाना चाहते हो, तो आप देखो एक्स एक्सिस पे अगर आप यहाँ से खींच के यहाँ लाओगे तो कितने मीटर का डिस्टेंस मूव करेगा बताओ, अगर आप यहाँ से खींच के इसको यहाँ लाना चाहते हो तो कितने डिस्टेंस का मीटर, कितने मीटर का डिस्टेंस मूव करेगा बताइए सब लोग, 1 मीटर। तो मैं, मुझे जब पता है यहाँ पे मुझसे कोऑर्डिनेट नहीं पूछा गया, मुझसे यहाँ पे डिस्टेंस पूछा गया, तो मैं यहाँ पे 1 एंटर करूंगा और उसके बाद जाके क्या करूंगा ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 मीटर से मूव करेगा, ठीक है। आप सारे नोड्स भी कर सकते हैं एक साथ मूव, आप एक नोड भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सारे नोड्स मूव करोगे तो क्या होगा, पूरा स्ट्रक्चर वहां से हिल जाएगा, अगर आप एक नोड को मूव करोगे तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वो नोड हिल जाएगा, बाकी सब स्ट्रेच हो जाएंगे, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या लगता है, जो डिस्टेंस है ये मेरा 6 मीटर का हो गया, क्यों, क्योंकि मेरा नोड तो यहाँ तक आ रहा है, पहले कितना था 5, अभी कितना हो गया 6, ठीक है। अब देखो आप क्या कर सकते हैं, आपने पूछा कि सारे एक साथ कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये है आपके ज्योमेट्री में गए, मूव पे गए, यहाँ पे आपने सबको मूव कर दिया 2 और 2 और ओके कर दिया, तो आप देखेंगे वो आपका मूव कर गया, ठीक है, 2 2 2 पे आपका कर गया मूव, देखिए, ठीक है। अगर आपको वापस लाना है तो आप क्या करोगे, वापस से जाओगे ज्योमेट्री में, मूव पे जाओगे और यहाँ पे क्या लिखोगे, इस बार -2 -2 -2 ओके करा, इस करा वापस आ गया, ठीक है, आ गया समझ में। तोहिद जी आपका डाउट था ना, समझ में आ गया, तोहिद आलम सॉरी तोहिद, हाँ तोहिद आलम आ गया समझ में, तोहिद आपको अब आते हैं अगले ऑप्शन पे, उसके लिए आपको कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, ठीक है, आपने सब कुछ अनसेलेक्ट कर दिया, आप जाएंगे ज्योमेट्री पे, ज्योमेट्री में जाके आपके पास एक ऑप्शन आता है मूव ओरिजिन का, कौशल आइए मुबारक हो आपको, बहुत जल्दी याद आ गया कि हमने कैसे मूव किया, पूरा टॉपिक खत्म कर दिया, उसके बाद आप पूछ रहे हैं कि नोड को कैसे मूव, अभी तक आप क्या कर रहे थे,
बताइए कौशल जी, जनता जवाब जानना चाहती है आपसे कि आप क्या कर रहे थे अभी। कौशल बताओ। बताता हूँ, रुक जाओ, थोड़ा क्या बताता हूँ। अभी आपको क्या करना है, इसके ओरिजिन को मूव करना है। ये ओरिजिन है आपका 0 0 0 पे। हाँ कौशल, कल मैंने आपको एक बात कही थी और मैं आज आपको तीसरी बार बोल रहा हूँ। मेरे ख्याल से कल मैंने 2 बार बोली थी और आज ये तीसरी बार। जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, कोशिश करो कि आप लोग सुनो उस चीज और लिखो, लिख लोगे ज्यादा जल्दी, इसके बजाय कि आप प्रैक्टिस करो। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप पहले वाला ही करते रह जाओगे, और ये बाकी लोग बैठे हैं यहाँ पे, इनका आप टाइम वेस्ट कर रहे हो बैठे, और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए, आप दूसरों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं अगर आप ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं उनको 2 बार ऑलरेडी बता चुका हूँ ये बात, फिर आप वापस आ रहे हैं 15 मिनट बाद कि मेरे को बता दीजिए, तो उनके लिए टाइम वेस्ट हो जाएगी, नहीं है? ठीक है, कोशिश करो कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप नोटबुक में नोट कर लो, भले ही उससे क्या होगा, आपको याद भी आ जाएगा प्रैक्टिस करते टाइम। उसी वक्त प्रैक्टिस करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। उससे पहले मैं दूसरा ऑप्शन ऑप्शन बता देता हूँ। चलो तो ठीक है, पहले आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने नोट सेलेक्ट किया, कौशल आप गए ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री पे जाने के बाद आपके पास मूव नाम का ऑप्शन है, उस पर जाएंगे आप ज्वाइंट पे। ठीक है, एक नोट सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे आप उस नोट को कितने डिस्टेंस से मूव करना चाहते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस नोड को मैं ऊपर की तरफ यहाँ पे मूव करना चाहता हूँ 5 पे, तो मूवमेंट कौन सी एक्सिस पे हो रहा है, वो हो रहा है मेरा मूवमेंट वाई एक्सिस। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वाई में कितने डिस्टेंस मूव कर रहा हूँ मैं, 1 मीटर से। अगर मैं 5 पे लाना चाह रहा हूँ, 4 और 5 के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, 1 मीटर। मैंने वो सिलेक्ट किया और उसके बाद जाके क्लिक किया ओके पे, तो आप देखोगे कि आपका नोड मूव हो गया। अब बताइए कौशल, आप क्लियर है? कौशल बताइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, अभी तक मैं सिर्फ इन जॉइंट, ये जो जॉइंट्स हैं यहाँ पे, इनको मूव कर रहा था। अब मैं करता हूँ मेंबर को मूव। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कर्सर है आपका, ये कर्सर, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप सारे के सारे मेंबर्स को सेलेक्ट करेंगे, फिर आप जाएंगे ज्योमेट्री में और यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास मूव का ऑप्शन है, उसमें मेंबर का ऑप्शन है। आप क्लिक करेंगे मेंबर पे, सेम वही चीज खुल के आएगी, कुछ भी अलग नहीं है, बस डिफरेंस ये है कि वो वाला जो ऑप्शन था वो आपका था नोट्स के लिए। ठीक है, लेकिन अगर वहां भी आप बीम्स को सेलेक्ट करके करते तो मूव हो जाते। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लो, अगर आपको ये सारे के सारे मेंबर्स मान लो किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस में मूव करने हैं, तो मैं वाई पे इनको कहाँ मूव करना चाह रहा हूँ, अभी 0 पे है ये। ठीक है, तो मैं इनको मूव करना चाह रहा हूँ 4 पे, 4 मीटर कर दिया मैंने और उसके बाद क्लिक कर दिया ओके। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे 4 पे मूव कर गया। सबको आगे समझ में, इसको मैं दोबारा उतने डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि पिछला वाला मैंने अच्छे से बता दिया, सेम चीज है बिल्कुल, कुछ और कुछ अलग नहीं है। ठीक है, बताइए। बताइए सब, बताइए फटाफट। चलिए वापस आते हैं। हाँ बता रहा हूँ, बता रहा हूँ सौरभ जी, बता रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। अब क्या हुआ, अब मेरे पास एक ऑप्शन बचा है, वो है ओरिजिन वाला। तो अभी तक आपने क्या देखा कि मैं चीजों को सेलेक्ट करके मूव कर रहा था, क्यों? क्योंकि या तो मैं नोट्स को मूव कर रहा होता था या फिर मैं बीम्स और कॉलम्स को कर रहा होता था। अगर आप चाहें एक बीम को भी कर सकते हैं, ऐसे सिलेक्ट करिए, ज्योमेट्री में जाइए करके, मेंबर में जाइए, आप इस बीम को कितना मूव करना चाहते हैं वाई एक्सिस पे, मान लो मैं इसको 1 मीटर से मूव करना चाहता हूँ। ठीक है, आप जाके ओके पे क्लिक करो, तो आप क्या देखोगे कि ये बीम 1 मीटर से मूव हो गई, लेकिन यहाँ पे मेरा कनेक्शन टूट गया बीम का, ऐसा जॉइंट में नहीं हो रहा था। ठीक है शिवम जी, आपका डाउट ही है, समझ में आ रहा है ना? सिर्फ बीम के लिए किया मैंने ये, इस बीम के लिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा कनेक्शन टूट गया, जबकि जॉइंट में ऐसा, जॉइंट में कनेक्शन जुड़ा हुआ था। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आपको जरा ध्यान रखिएगा। बढ़िया।
अब वापस आप इसको लाना चाहें तो कंट्रोल जेड कर देंगे, क्योंकि अगर कनेक्शन टूट गया वो एक उस स्ट्रक्चर का पार्ट ही नहीं रहेगा, ये बात आप याद रखिए। अब आते हैं आखिरी ऑप्शन पे। नितीश जी आपने पूरा का पूरा मूव किया होगा ना, इसलिए मूव कर रहा है, सारा का सारा ज्वाइंट सेलेक्ट कर लिया होगा आपने। आइए अब अगला ऑप्शन जो है हमारा वो है ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन के लिए आपको कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें ये चीजें मूव नहीं होंगी, उसमें आपकी ग्रिड मूव होगी पूरी की पूरी। ज्योमेट्री में जाओ, मूव में जाओ, ओरिजिन नाम का ऑप्शन है, ओरिजिन पर क्लिक करो। ओरिजिन पर आपने क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं बाई फोल्डिंग एक्स वाई एंड जेड। तो आप ओरिजिन को कितना मूव करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं माइनस टू और माइनस टू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ओरिजिन मूव कर गया अपनी जगह से। ठीक है, ये जो ओरिजिन था ना, यहाँ पे एनोटेशन चेंज नहीं हुआ ग्रिड का, ग्रिड का एनोटेशन वही का वही है, लेकिन जो आपका ओरिजिन था वो मूव कर गया और आपका स्ट्रक्चर अपनी जगह पे। अभी आप जब देखेंगे व्यू चेंज करके, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ओरिजिन पूरा का पूरा मूव कर गया। ठीक है, आपका ओरिजिन पूरा का पूरा मूव कर गया। तो अगर आपको एक साइड एलोंगेट करना है तो आप देख लीजिए कि आपको सिर्फ एक नोड पे करना है कि दोनों नोड पे करना है। अगर आपको दोनों नोड पे करना है, दोनों नोड्स को सिलेक्ट करिए और उनको आपका पूरा एलोंगेट हो जाएगा। ठीक है, अभी एक ऑप्शन और पढ़ेंगे इलोंगेशन को लेके, अभी आगे आने वाला है वो स्ट्रेच सिलेक्टेड मेंबर्स करके स्ट्रेच। ठीक है, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा कि इलोंगेट कैसे किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ओरिजिन मूव कर गया, आपका स्ट्रक्चर अपनी जगह पे, ये था इस ऑप्शन में डिफरेंस। देखो फिर से बता रहा हूँ, ज्योमेट्री में जाओगे, ज्योमेट्री में जाके आपका मूव ऑप्शन है, मूव में आपके पास ओरिजिन का ऑप्शन है, आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, बस यहाँ पे आके आपको कितने डिस्टेंस से मूव करना है। देखो यहाँ पे आके आके आपको कितने डिस्टेंस से मूव करना है उतना यहाँ पे आप लिख दोगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे ओरिजिन को एक्स एक्सिस पे 2 मीटर से मूव करना है तो मैं ओके कर दूंगा। तो अब देखो क्या हुआ, जो मेरा ओरिजिन यहाँ पे था वो 2 मीटर खिसक के इधर आ गया। ठीक है, लेकिन मेरा स्ट्रक्चर जो वो अपनी जगह पे ही है। बताइए आया? सही सब लोग? हाँ, इसमें ग्रिड मूव होती है। ठीक है, इसमें ग्रिड मूव होती है, बस यही डिफरेंस था। तबरेज जी बाकी लोगों को आवाज आ रही है तो शायद आपकी तरफ से इसमें प्रॉब्लम है, प्लीज चेक करिए आप। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, और रोटेट, ठीक है, मिरर और रोटेट, प्लीज ध्यान से देखिएगा सब लोग। यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले आते हैं मिरर पे, मिरर ही रोटेट रोटेट देखते हैं। ये तो हम कल रोटेट देख रहे थे, उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, जैसे हमारी ग्रिड बंद, जो हम लोग कल रोटेट देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे रोटेट विदाउट एनी एंगल, हम लोग सिर्फ कीबोर्ड की अपनी जो एरो कीज होती है उनको प्रेस कर रहे थे और कुछ जितना रोटेट हो रहा था हम लोग मान ले रहे थे कि हाँ रोटेट होगा। ठीक है, लेकिन अब हम देखेंगे मेजर्ड एंगल के थ्रू कितना रोटेशन होता है, मतलब हमें पता है कि इतना रोटेट करना है, वो वाला रोटेशन देखते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ज्योमेट्री में जाएंगे, उससे पहले आप क्या करो सिलेक्ट कर लो पूरे। आप गए ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री में जाने के बाद आप आओगे इस ऑप्शन पे जिसका नाम है रोटेट। आपने किया रोटेट पे क्लिक, रोटेट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे एंगल, कितने एंगल से आपको रोटेशन करना है। ठीक है, तो मैं मान लो इसको 90 डिग्री से रोटेट करना चाहता हूँ, ये जो आप मेरा फ्रेम देख रहे हैं यहाँ पे, मैंने 90 सेलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद अभी मैं कुछ और नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मूव कर देता हूँ। ठीक है, मैंने जब यहाँ पे जाके मूव किया तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये 90 डिग्री से रोटेट हो गया, लेकिन देखने वाली बात यह है कि कौन सा वाला फेस मूव होगा। तो ओरिजिन वाला फेस था ना, वो वहीं का वहीं रह गया, ओरिजिन वाला फेस था इसका, वो वहीं रह गया, जो दूसरा ऑपोजिट फेस था वो इसका मूव कर गया। ठीक है, 90 डिग्री से मैं एक बार अंडू करता हूँ, मैं दोबारा करता हूँ उस ऑप्शन, मैं गया ज्योमेट्री पे, मैं गया रोटेट पे, इस बार भी मैं 90 डिग्री से करना चाहता हूँ, लेकिन इस बार मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस तरफ से रोटेट ना करके इस तरफ से रोटेट करके। ठीक है, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, पिछली बार जो मूवमेंट हुआ था वो हुआ था एंटी क्लॉकवाइज, मैं चाहता हूँ कि मूवमेंट जो है वो क्लॉकवाइज हो इस बार, इस तरफ से। ये वाला अपनी जगह पे फिक्स है,
तो मैं यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो नोट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, वो आ रहा है एक्सिस कौन से नोट्स के थ्रू पास करेगी। एक्सिस कौन सी होती है, जिस पे वो टिका रहता है, रोटेशन एक्सिस। तो आप यहाँ पे नोड वन पे क्लिक करो और आके यहाँ पे इस नोड को सिलेक्ट करो, यहाँ पे नोड टू पे क्लिक करो और आके यहाँ पे इस नोड को सिलेक्ट करो, तो आपके नोड नंबर आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब आप मूव करेंगे और जाके क्लिक करेंगे ओके पे, तो आप देखेंगे कि इस बार ये वाला जो फेस था वो अपनी जगह पे रह गया और जो दूसरा वाला फेस था वो रोटेट कर। बताइए क्या ये आप लोगों को समझ में आया? अभी बताता हूँ, पहले बताओ यहां तक समझ में आया आपको? अब देखिए अभी क्या किया हमने, सिर्फ और सिर्फ मूव किया है। इसमें एक ऑप्शन है जिसमें आप कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखिए वो ऑप्शन कैसे होता है, सेलेक्ट करो पूरे को, ज्योमेट्री में जाओ, रोटेट पे जाओ, यहाँ पे वही सब रहने दो आप। 180 करोगे तो पूरा पूरा घूम के तरफ को आ जाएगा, ठीक है। आपको देखना तो 180 कर लो, वरना देखो आप यहाँ पे 270 में फिर 90 डिग्री पे रहेगा तो मुझे पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके आप कॉपी करो, कॉपी पे क्या होता है, कॉपी पे आपकी इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी, उसमें आप लिंक भी कर सकते हो बेस को, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो और ओके करो, तो आप देखो यहाँ पे आपकी कॉपी क्रिएट हो गई पूरी की पूरी, लिंक हो, ठीक है। 270 डिग्री पे आपका रोटेट हो गया और लिंक हो गया। इससे जाओ अगर समझ नहीं आ रहा, रोटेट पे जाओ, यहाँ पे 90 रखा आपने, कॉपी करा, लिंक नहीं करा, ओके कर दिया, देखो इस तरीके से 90 रोटेट। पुराना वाला था वो भी अपनी जगह पे, तो नया वाला क्रिएट हुआ वो भी आ चुका है, तो कॉपी क्रिएट हुई है बेच हुआ है यहाँ पे, ये एक कॉपी क्रिएट हुई है। बताइए क्लियर, रोटेशन क्लियर हो गया आप लोगों को? कुछ नहीं है ज्यादा रोटेशन में, आपको बस एंगल बताना है और आपका पूरा का पूरा रोटेट हो जाएगा, वो मेजर्ड। अब देखो रोटेशन हो रहा है इसमें, वो मेजर्ड रोटेशन हो रहा है, जो हम लोग कीबोर्ड के कीज से कर रहे थे वो अनमेजर्ड रोटेशन था, हमें पता ही नहीं था कितना रोटेट कर रहा है। यहाँ पे जरूरी नहीं आप 90, 270, 360 के ही एंगल दोगे, आपको जितने से रोटेट करना है, आपको 30 से करना है, 45 से करना है, 60 से करना है, आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। नोड को इंटरचेंज करने पे क्या इफेक्ट होता है, इंटरचेंज करने पे मैं समझा नहीं, नोड इंटरचेंज कहाँ हो रहे हैं? अच्छा वो पूछ रहे हो, कॉपी में पूछ रहे हो। एवं नोड को जब मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, पहले देखो अगर मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट जो रोटेशन कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है, देखो उधर अभी देखो, जब मैंने यहाँ पे नोड सेलेक्ट नहीं करे तो जो बाय डिफॉल्ट रोटेशन हुआ है वो इस वाले फेस का हुआ है, जो ये वाला एंड था उसको फ्री एंड मान के उसने घुमा दिया। जब मैं नोड्स को सिलेक्ट करके इन दोनों को मेंशन कर रहा हूँ, उसका मतलब क्या हुआ कि मैं चाहता, सॉरी इन दोनों को मेंशन कर रहा हूँ, उसका मतलब क्या था, मैं चाहता था कि रोटेशन इस तरफ से ना हो और इस तरफ से हो, तब वो जो चीज घूमी थी वो इस तरफ, ठीक है। अभी देखो फिर से देखो, ज्योमेट्री में गए, रोटेट पे गए 90 डिग्री, अब ये तो मैं नोड को मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना आपकी वो यहाँ पे सेट हो गई इन दोनों नोड्स के बीच में। फिर जब आप कॉपी करेंगे और ओके करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका इस तरफ को रोटेट हुआ है, ठीक है। ये वाला फेस यही रह गया, इस तरफ को रोटेट हुआ, आ गया समझ में? बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो सुमन सौरभ जी, आप सिंगल मेंबर को कर सकते हो, डबल मेंबर को, हर तरीके मेंबर को इसमें रोटेट कर सकते हो, लेकिन वो आपको पता ही नहीं लगेगा। जब आपका सिंगल मेंबर वहां खड़ा होगा ना, आप उसको रोटेट करोगे, आपको पता ही लगेगा कि वो रोटेट भी हो गया, अनलेस आप ग्रिड के हिसाब से देख रहे हो, ठीक है। बड़े आगे अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो अगला जो ऑप्शन हमारा आ रहा है वो है मिरर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इन दोनों को हटा देता हूँ, इसको करिए सेलेक्ट, फ्रेम को ज्योमेट्री में जाइए, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मिरर का, ठीक है। आप इसमें देखो, इसमें एक छोटा सा खेल है, जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मिरर का प्लेन पूछता है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला डायग्राम है इसको जरा एक बार रेफर करो और इस डायग्राम में देख के सोचो कि
अगर ये प्लेन ऑफ मिरर है मेरा, इसका मतलब क्या वो लोग कहना चाह रहे हैं कि मेरा जो मिरर है वो कौन से प्लेन में फिक्स होगा, ठीक है? अगर नहीं आए समझ में तो यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये मेरी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये मेरी जेड एक्सिस, ठीक है? आप लोगों को प्लेन्स भी दिख रहे होंगे, ये एक्स वाई प्लेन हो गया, ये वाई जेड प्लेन हो गया और ये मेरा वाला जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो एक्स जेड, ठीक है? अब मान लो मेरा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है? अब मैं इसको कॉपी, मैं इसका मिरर क्रिएट, मतलब मिरर इमेज क्रिएट करना चाहता हूँ इसके राइट हैंड साइड, ठीक है? मैं मिरर इमेज क्रिएट करना चाहता हूँ राइट हैंड साइड, तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि कौन से प्लेन पे मिरर फिक्स होगा? क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? हाँ सौरभ, वेरी गुड। और प्रशांत प्रसाद जी, मिली साक्षी, युगल कुमार, मिनाज खान एवं संध्या, बिल्कुल सही, ठीक है? अब आपको समझ में आया क्यों, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप इस प्लेन को देखो, ठीक है? तो मेरा जो मिरर लगेगा ना वो कुछ इस तरीके लगेगा, मिरर ऐसा लगेगा मेरा, और तब इसकी कॉपी इसके पीछे क्रिएट होगी, ऐसा ऐसे। अगर मुझे इसकी कॉपी क्रिएट करनी है पीछे की तरफ, इसके पीछे, तो मुझे बताओ कौन से प्लेन में मिरर आएगा? अगर मुझे इस मिरर की कॉपी, अगर ये मेरा मिरर है, इसकी कॉपी मुझे इसके पीछे क्रिएट करनी है जेड एक्सिस पे, तो कौन से प्लेन में मिरर आएगा बताइए? एक्स वाई, ठीक है? बिल्कुल सही, एक्स वाई प्लेन में मिरर आएगा। आपको समझ में आ गया मिरर का कौन, मतलब प्लेन का कॉन्सेप्ट आ गया समझ में कि मिरर में कैसे प्लेन चाहिए होता है? आपको आ गया समझ में? अगर समझ में आ गया तो अब कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर। आपको यहाँ पे देखो, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये जो आपका फ्रेम बना हुआ है इसको आपको इसके राइट में कॉपी करना है, तो आप कौन से प्लेन में लोगे? वाई जेड प्लेन में, ठीक है? वाई जेड प्लेन आपका ऐसा आएगा, तो मिरर आपका यहाँ प्लेस हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मूव करना है कि कॉपी करना है, तो मैं कॉपी करना चाहता हूँ, मैंने जाके क्लिक कर दिया ओके पे, आपका ये यहाँ पे कॉपी हो गया। ज्योमेट्री में गए, मिरर पे गए, वाई जेड प्लेन में गए, देखो अभी क्या हुआ, जब मैंने यहाँ पे कॉपी क्रिएट किया ना, तो उसने मिरर का जो प्लेन था वो पता है कहाँ पे लगाया? उसने लगाया इस ओरिजिन वाली लाइन पे, क्योंकि इसी को एक्सिस मान रहा है। तो उसके लिए अगर मैं इसको राइट में कॉपी करना चाहता हूँ, यहाँ पे ना ये जो नोड है इसको करो सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आके कर दो क्लिक, तो आपका जो मिरर का प्लेन है वो ये वाला बन गया। अब इसका राइट में कॉपी जाएगी, कॉपी पे क्रिएट करो, ओके करो, तो आप देखोगे यहाँ पे आपकी मिरर की कॉपी है वो क्रिएट हो गई, ठीक है? अब दूसरी बात, आप लोग बोल रहे हो यार मिरर इमेज कभी चिपकी हुई तो आती नहीं है, मिरर भी कौन सा हमारे बिल्कुल चिपका हुआ रहता है, ठीक है? मिरर भी हमारे साथ एकदम हाथ पे चिपका हुआ थोड़ा रहता है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, मिरर मैंने एकदम इसके ऊपर प्लेस कर दिया, एकदम इसके एज पे, इसलिए ये चिपकी हुई कॉपी आई है। अगर आप चाहते हो कि थोड़ी दूर बने, तो अब देखो क्या करना है, आप जाएंगे ज्योमेट्री पे, जाएंगे मिरर, यहाँ पे जाने के बाद आप देखेंगे ये अब आपसे पूछ रहा है ना जो कि मिरर आप कहाँ प्लेस करना चाहते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आप डिस्टेंस दे दो, यहाँ पे आप डिस्टेंस दे दो, क्योंकि आपने ये नोड सेलेक्ट कर लिया, और आप यहाँ से आप जो डिस्टेंस दोगे वो यहाँ से मेजर होगा, ठीक है? जो आप डिस्टेंस दोगे वो यहाँ से मेजर होगा, अभी तक वो वहां से मेजर कर रहा था इसलिए यहाँ पे 5 मीटर लिखा हुआ था, लेकिन अब वो डिस्टेंस यहाँ से मेजर होगा। तो आप जो मिरर है उसको अगर 6 पे प्लेस करना चाहते हो ना, इस वाले कोऑर्डिनेट पे प्लेस करना चाहते हो, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 1 मीटर, कि 5 से 1 यूनिट दूरी है 6, और उसके बाद यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करोगे और जाके क्लिक करोगे ओके, तो सिलेक्ट करिए, ज्योमेट्री में जाइए और उसके बाद मिरर में जाइए, नोड आप दीजिए मिरर का ये वाला, ठीक है? और उसके बाद ये जो प्लेन है आपका, अच्छा प्लेन एट एक्स, इसमें आपको कोऑर्डिनेट की वैल्यू पूछ रहा है ये, ठीक है? तो
ये कोऑर्डिनेट की वैल्यू पूछता है, तो आप यहाँ पे 6 मीटर पे रखो इसको, 6 मीटर ये वाला, और उसके बाद ओके पे क्लिक करो। अब आया समझ में? वो डिस्टेंस नहीं था एग्जैक्टली, वो आपको कोऑर्डिनेट पूछ रहा था वहाँ पे। उसके आगे लिखा होता है ना प्लेन एट एक्स, प्लेन एट एक्स का मतलब हो गया वो आपसे एक्स का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो आपने उसको 6 पे रखा। अब देखो क्योंकि वो ये जो मैंने मिरर रखा है वो 6 पे आया, ठीक है, जो मैंने मिरर रखा था वो यहाँ पे आया जो कि इससे 1 मीटर दूर है, तो जो मिरर इमेज बनेगी वो भी इससे 1 मीटर दूर बनेगी। अब बताओ ये बात सबको समझ में आई कि एक्स वाई नहीं रखा मैंने, सॉरी सिर्फ एक्स की वैल्यू रखी है। दिली साक्षी जी आप एक बार जरा ध्यान से देखो इसको, मिरर इमेज जो है वो वाई जेड में क्यों बनेगी? वाई जेड में वाई, मुझे एक्स वाई प्लेन पे ही मिरर इमेज बनानी है, इसलिए मैंने वाई जेड पे मिरर को लगाया। समझे आप बात को? यहाँ देखो ध्यान से, मुझे एक्स वाई प्लेन में ही ये मिरर इमेज बनानी थी, ये वाली ओरिजिनल है, ये मिरर इमेज है, मुझे एक्स वाई प्लेन पे ही बनानी थी, इसलिए मैंने मिरर को एक्स वाई जेड प्लेन पे रखा ना, ठीक है? अब आया समझ में आपको? अब आया सौरभ जी समझ में? आप जो पूछे थे एक ही कॉलम मतलब दो कॉलम एक ही जगह। आदर जी आपने सुन लिया पूरा लैग के बाद? एक्स वाई मैंने एक्स वाई सिलेक्ट किया था सौरभ जी, या वाई जेड सिलेक्ट किया था, एक बार याद करो। मैंने वाई जेड सिलेक्ट किया था, एक्स वाई सिलेक्ट नहीं किया था। आओ फिर से बनाते हैं एक बार मेरे इमेज। अब इसकी मेरे इमेज बनाना चाहता हूँ मैं कहाँ पे? पीछे की तरफ को, जेड एक्सिस पर, ठीक है, इसकी जेड एक्सिस पर। तो ज्योमेट्री में जाएंगे, ज्योमेट्री में जाने के बाद मिरर पर जाएंगे। अब आप लोग मुझे बताओ अगर मुझे जेड एक्सिस को बनानी है इसकी इमेज, ठीक है, अगर मुझे इसकी इमेज जेड एक्सिस को बनानी तो मैं मेरा प्लेन कौन सा होगा बताओ? अभी डिस्कस किया था 2 मिनट पहले, अगर मुझे जेड एक्सिस इमेज बनानी तो मेरा प्लेन क्या होगा मिरर का? एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई होगा ना। तो अब देखो मैं यहाँ पे एक्स वाई सेलेक्ट करूँ, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि आप कितनी दूरी पे प्लेस करना चाहते हो मिरर को, ठीक है। तो मैं मिरर को प्लेस करना चाहता हूँ जेड इक्वल्स टू 1 मीटर, जेड इक्वल्स टू 1 मीटर पे मेरा मिरर प्लेस, ठीक है। और उसके बाद मैं कॉपी करूंगा, तो ओके किया मैंने, तो आप देख रहे हो ये 1 मीटर दूर आ गए। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर आप यहाँ से देखोगे मीटर की दूरी पे मेरा ये प्लेस है, आपको अगर यकीन नहीं हो रहा तो आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नाप सकते हैं। देखो 2 मीटर आ रहा है ना। अब समझ में आ गया सौरभ, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए कि नहीं हुए बताओ मुझे? हो गया ना सब लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए मेरे के लिए? अब कोई भी डाउट नहीं बचा होगा मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है, अगर मैं मिरर की लोकेशन जो 1, ये इमेज पीछे की तरफ को बन, ठीक है, अब देखो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। आप ये वाला फ्रेम सिलेक्ट कर लो, ये फ्रेम सिलेक्ट किया आपने, आप गए ज्योमेट्री पे, आप गए मिरर पे। इस बार आपको बनाना है वाई एक्सिस में इसका मिरर इमेज, ठीक है। आप किस में बनाना चाहते हो? वाई एक्सिस में। अगर आप वाई एक्सिस में बनाना चाहते हो तो मुझे ये बताओ मिरर कहाँ रखोगे, कौन से प्लेन में रखोगे बताइए? एक्स जेड में रखेंगे, क्लियर है सबको? तो एक्स जेड प्लेन आप सेलेक्ट करोगे यहाँ से, और उसके बाद आप क्या करोगे, कितनी दूरी पर आप मिरर रखना चाहते हो आप, ठीक है। वाई में मैं 1 मीटर, सॉरी 1 नहीं आएगा यहाँ पे, 1 नहीं आएगा यहाँ पे, आपका 4 पेन ना। वाई में आप कहाँ रखना चाहते हो? 5 मीटर पे आप इसको मिरर को रखना चाहते हो, इस वाले इस जगह पे, इस जगह पे रखना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, कॉपी करोगे, तो आप देखोगे इसकी मिरर इमेज बन गई। देखो ऐसी होती है मिरर इमेज, ठीक है, ऑपोजिट एकदम। तो मैंने 1 मीटर दूर इसका मिरर रखा था, इसलिए 1 मीटर दूर इमेज बनी है। अगर आप 2 मीटर दूर मिरर रखोगे तो 2 मीटर दूर इमेज बनेगी, ऐसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के इमेज का। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी तरीके की? बताइए, चलिए बढ़िया
बढ़िया प्रैक्टिस करनी है और आपको फिर याद रहेगा अपने आप ही। एक बार आपको ये चीजें याद हो गई ना, जो छोटे मोटे ये टूल्स हैं, तो जो आगे के बड़े बड़े टूल्स आने वाले हैं उनमें छोटे टूल्स की कई बार मदद करनी। नेगेटिव एक्सिस करो कैसा होगा, इसका ऑपोजिट सेम ही होगा के नीचे जो होगा इसका उल्टा बन जाएगा। देखो आप इसको सिलेक्ट कर रखा, आप ज्योमेट्री में गए, मिरर में गए, एग्जैक्ट प्लेन में मिरर लगाओगे, यहाँ पे आप कहाँ प्लेस करना चाहते हो, अभी आपका ये जीरो पे है, ठीक है, आपका जीरो पे है, आप जो मिरर लगाना चाहते हो वो लगाना चाहते हो वाई इक्वल और उसके बाद कॉपी करके ओके कर दिया, तो आपका इस तरीके से नेगेटिव एक्सिस में इमेज आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल ऑप्शन है, कुछ भी नहीं है। उस ऑप्शन का नाम है, शेयर कर दूंगा एक मिनट रुकिए, उस ऑप्शन का नाम है इंसर्ट नोड। ठीक है, इंसर्ट नोड नाम का ऑप्शन है। इंसर्ट नोड का मतलब क्या होता है कि आपने बीम्स अभी तक क्या कर रहे थे, आप जब बीम्स बना रहे थे के एंडिंग पे ही नोड्स आ रहे थे आपके। ठीक है, आपके एक सेकेंड, तो आपके जो नोड्स आ रहे थे यहाँ पे वो बीम्स के एंडिंग पे ही आ रहे थे। ठीक है, ये जब आपने यहाँ से ये बीम बनाने शुरू कर, यहाँ पे एक नोड आया, फिर तो अगली बीम बनाई, मैं क्या चाह रहा हूँ, जो मेरी बनी बनाई बीम है या जो बना बनाया कॉलम है उसके बीच में मैं नोड्स को इंसर्ट करूँ। अब नोड्स इंसर्ट करने का मेरा मकसद क्या है, वो मकसद ये होता है कि मेरे को बीम को ब्रेक करना होता है कई बार। ठीक है, और वो रीजन कुछ भी हो सकता है, या तो मुझे वहां पे दूसरी बीम का ज्वाइनिंग पॉइंट निकालना है, या फिर मुझे वहां पे दूसरा कॉलम निकालना है। ठीक है, मुझे ब्रेक करना होता है, तो देखिए उसका ऑप्शन क्या होता है। आप करेंगे बीम को सिलेक्ट, बीम सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा, दिख रहा सबको, ज्योमेट्री में जाके आपको यहाँ भी मिल सकता है इंसर्ट नोड का ऑप्शन। ये दोनों सेम ऑप्शन है, कहीं से भी सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे किया मैंने क्लिक, टीम सिलेक्ट कर रखी है, उसकी डिटेल्स भी आ रही है, ठीक है, हिसाब से मैं अपना इंसर्ट कर पाऊंगा नोड। ठीक है, मुझे बीम की लेंथ दे रखी है यहाँ पे 5 मीटर, 5 मीटर मेरी बीम की लेंथ है, और यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कौन से नोड्स के बीच में बनी हुई हो। ठीक है, अब सबसे पहला ऑप्शन जो आता है मेरे पास वो आता है डिस्टेंस के हिसाब से मैं नोड को इंसर्ट करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मेरी बीम 5 मीटर की है, अगर मैं 2 मीटर के लेंथ पे नोड इंसर्ट करना चाहूं तो मैं यहाँ पे 2 मीटर डाल दूंगा। अब आप लोग सोचते होंगे 2 मीटर ही किस साइड से मेजर करेगा, ये 2 मीटर हमेशा स्टार्टिंग ऑफ द बीम से मेजर करेगा। ठीक है, ये जो 2 मीटर करेगा वो स्टार्टिंग ऑफ द बीम से करेगा, तो स्टार्टिंग ऑफ द बीम मेरी इस तरफ को है, यहां से 2 मीटर करेगा। ठीक है, जो कि है प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया, अगर आपके 5 मीटर की बीम है, आपने 2 मीटर पे डिस्टेंस पे नोट डाला, उधर जो बचा हिस्सा वो कितना हो गया, 3 मीटर, तो प्रोपोर्शन आप डिवाइड कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 0.4 और 0.6। ठीक है, 43% के हिसाब से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको ये भी दिखाने लगता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसके बाद आपको क्लिक करना पड़ता है एड न्यू पॉइंट, ये अपने आप दिखा रहा है, मैंने एंटर नहीं किया, ये यहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे एड न्यू पॉइंट पे, आपने क्लिक किया तो आपका यहाँ पे 2 मिनट मतलब ये आ गया, इंसर्शन पॉइंट आ गया, और फिर आपको वहां दिखाने भी लग जाएगा कि हमने यहाँ पे नोड को प्लेस किया है। इसको करने के बाद आप क्लिक करेंगे ओके पे, जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तब जाके आपका यहाँ पे नोड एंटर हो जाएगा, तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे 2 बीम्स बन गए अलग अलग, ये और ये आया। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं गया दोबारा से इंसर्ट नोड ऑप्शन पे, यहाँ पे जाने के बाद अगला ऑप्शन जो मैं करूंगा वो प्रोपोर्शन से करूंगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पॉइंट पे एक बीम एंटर करता हूँ, तो जब मैं 0.6 पे कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं वो जो डिस्टेंस जा रहा है वो जा रहा है 2.4 मीटर पे। ठीक है, 0.6 प्रोपोर्शन पे जब मैंने डाला तो 2.4 मीटर पे मेरी बीम प्लेस हो जाएगी, सॉरी मेरा नोड प्लेस हो जाएगा। इसको करने के बाद आप इंसर्ट यहाँ पे एड न्यू पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आपका आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका नोड आ गया, दिख रहा है। अब आते हैं इस पे, यहाँ पे जाएंगे फिर से इंसर्ट नोड पे आप जब जाएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे एड मिड पॉइंट का। अब आपको पता है जब आपने बीम सेलेक्ट करी आपकी बीम की लेंथ दिखा रहा है 4 मीटर, तो इसका मिड पॉइंट कहाँ पे होगा, 2 मीटर पे,
आपने ऐड मिड पॉइंट किया अपने आप, उसने एकदम 2 मीटर के डिस्टेंस पे लाके प्लेस कर, ठीक है, और यहाँ पे जाके क्लिक करोगे तो आपका ये मिड पॉइंट हो गया, एकदम इक्वली डिवाइड हो गई सारी की सारी। आपको अगर देखना भी तो आप इस वाले ऑप्शन से सारे के सारे नोट्स के डिस्टेंस नाप सकते। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अंडू कर देता हूँ। आखिरी ऑप्शन है मेरा एड एन पॉइंट्स वाला, यहाँ पे गए फिर से, यहाँ पे आखिरी ऑप्शन आता है एड एन पॉइंट्स। एन पॉइंट्स का मतलब जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आप यहाँ पे डालेंगे उतने पॉइंट्स ही यहाँ पे इंसर्ट कर देगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं 4 पॉइंट्स डालना चाहता हूँ, मैंने 4 डाल दिया, और यहाँ पे जाके मुझे क्लिक करना है एड एन पॉइंट्स। जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखेंगे आप 4 पॉइंट्स उसने इंसर्ट कर दिए इस बीम के अंदर, जिसकी इक्वल डिस्टेंस पे ही प्लेस करेगा सारे पॉइंट्स। देख लो आप पॉइंटेड पॉइंटेड का डिस्टेंस। ये करने के बाद आप ओके पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपके अलग अलग यहाँ पे बीम्स होंगे। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, या फिर बहुत सिंपल ऑप्शन लगा आपको, बताइए। सिंपल था, समझ में आया सबको? ये था इंसर्टिंग अ नोड फॉर सिंगल मेंबर, ठीक है, ये था आपका इंसर्टिंग अ नोड फॉर सिंगल मेंबर। अब एक ऑप्शन सेम टू सेम ऑप्शन है, उसमें आप मल्टीपल मेंबर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे सेम ऑप्शन के ऊपर इंसर्ट नोड, तो ये जो ऑप्शन खुला है इस बार ये मल्टीपल मेंबर्स के लिए खुला है, ठीक है, ये आपका खुला है मल्टीपल मेंबर्स के लिए। तो इसमें भी आपको सेम सेम ऑप्शंस मिलेंगे, एड न्यू पॉइंट बाय डिस्टेंस। तो अगर आप डिस्टेंस डालोगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ कर दिया 2 मीटर, ठीक है, अब आपको पता है ये वाली जो जो दोनों कॉलम्स से इनकी आपकी लेंथ 4 मीटर है, इसकी जो लेंथ है 5 मीटर। लेकिन सॉफ्टवेयर अपनी होशियारी दिखा के क्या करता है यहाँ पे कि वो ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग पॉइंट से 2 मीटर पे प्लेस करता है, ठीक है। यहाँ पे तो मिड पॉइंट पे आ जाएगा दोनों के, लेकिन यहाँ पे मिड पॉइंट पे नहीं आएगा। तो आप जब यहाँ पे आके ओके पे क्लिक करोगे आप देखोगे यार आपका 2 मीटर पे आया, और ये जो बचा फिर से आप करेंगे प्रोजेक्ट, आपने सारा सिलेक्ट किया वापस गए इंसाइड उसमें डिवाइड कर देगा, एड मिड पॉइंट करेंगे ओके करेंगे आप, ठीक है। तो आप देख रहे हो इस बीम की लेंथ 4 मीटर थी, उसने ऑटोमेटिकली 2 मीटर पे डिवाइड कर दिया, 5 मीटर उसने ऑटोमेटिकली 2.5 मीटर पे कर दिया, ठीक है। ये मल्टीपल मेंबर्स के लिए भी आप एक साथ नोड्स को एंटर कर सकते हो, तो ऑप्शन चारों के चारों से, बस आपको बस यहाँ पे सारे मेंबर्स आपने सिलेक्ट कर रखे थे वहां पे एक एक करके कर रहे थे, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत? किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहां तक बताइए? तौहीद आलम जी अब आ गया समझ में? तौहीद आलम आपको समझ में आया? दीपक, दीपक और कौशल जी आप लोग ये मोसर किसके लिए लिख रहे हैं, समझ में आ गया? आप आ गए ना समझ में? चलो सबको आगे समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार सब लोग बोलिए, ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आप देख रहे हैं मेरी घड़ी में टाइम हो रहा है 11:51 -5 जाए, लिंक चेक नहीं करने अभी, ठीक है, मैंने सिर्फ ओके किया और ये मेरे नोट्स की डॉ, ठीक है। आइए अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, आप जाएंगे ज्योमेट्री में, ठीक है, और आपके पास ऑप्शन आता है एड बीम। एड बीम में जाके आपके पास एक ऑप्शन आता है एड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, जैसा कि इसका नाम कह रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में अगर आपको बीम ऐड करनी है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करें, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में अगर आपको बीम ऐड करनी है तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आपको ये ऑप्शन यहाँ भी मिल सकता है और इसके अलावा आपको ये ऑप्शन यहाँ भी मिल सकता है, दिख रहा है सबको ये वाला ऑप्शन एड बीम, ये वाला ऑप्शन वही है एड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दे रखे ना,
अगर आप उनके अंदर के सब ऑप्शन जो है वो अगर देखना चाहो तो वो कैसे हो सकता है, यहाँ पे क्लिक करके रखो। ऐसे आप क्लिक करके रखते हो आपको बाकी के चार भी दिखाने लगता है यहाँ। ठीक है, मैं पहला ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, एड बीम बिटवीन पॉइंट टू पॉइंट, ये मैंने चूज कर लिया। अब मैंने आपको पहले ही बताया था ये ऑप्शन तभी तभी काम करेगा जब आपके पास नोड्स है। मेरे पास यहाँ पे नोड्स है, मैंने क्लिक किया इस नोड पे और क्लिक किया इस नोड पे, मैं क्लिक किया इस नोड पे और क्लिक किया, आया समझ में? ये बीम ऐड हो गई आपकी फ्रॉम बिटवीन पॉइंट टू पॉइंट, इस पॉइंट और उस पॉइंट के बीच। जैसे हम पहले कर रहे थे जब मैंने आपको बताया था कि अगर आप सिर्फ नोट्स बनाए किस तरीके से हो सकता है, ये वाला हो गया, बताइए ये वाला हो गया, और आपका बस इतना काफी है, बताइए आया समझ में? आया समझ में अंकल जी? क्या ट्रांसलेशन किस चीज का नहीं हो रहा आपका ये बताओ, तो भी मैंने नोट्स करे उसी में प्रॉब्लम आ रही है आपको? जो भी मैंने नोट्स ट्रांसलेशन रिपीट करे उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है क्या बताइए? देखो भाई मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सेट करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, नोड कर्सर लिया, इसको किया सेलेक्ट और किया इसको सेलेक्ट, कंट्रोल दबा के यहाँ गया ट्रांसलेशनल रिपीट में। मुझे कौन सी डायरेक्शन में करना है, मुझे जेड डायरेक्शन में करना है। ठीक है, तो मैंने जेड सेलेक्ट कर लिया, कितनी बार करना है, एक बार करना है। स्टेप स्पेसिंग कितनी, मतलब कितनी दूरी पे करना है, मुझे 5 मीटर पे करना है, लेकिन माइनस दे रहा हूँ ताकि वो इस की तरफ को। यहाँ पे करने के बाद आप जाओगे लिंक स्टेप नहीं करना आपको, ठीक है, लिंक कर दोगे तो मेरा फायदा खत्म हो जाएगा, मैं आपको ऑप्शन ही नहीं बता पाऊंगा ये वाला एड बीम वाला, कि बीम तो पहले ही बन जाएगी, उसके बाद आप जाके क्लिक करो ओके पे, आपका हो गया रिपीट। अब बताओ अब आया समझ में? बल अगर आप यही चीज इन बीम्स के साथ करते ये बीम रिपीट हो जाती और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैं गया यहाँ ज्योमेट्री में और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है एड बीम, इसमें जो पहला वाला ऑप्शन एड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, मैंने ये सिलेक्ट किया, आप देखोगे मेरा कर्सर बदल गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस नोड पे क्लिक करूंगा और इस नोड पे क्लिक करूंगा, मेरी बीम ऐड होगा, यहाँ क्लिक किया मेरी बीम ऐड होगा, इधर क्लिक किया कोई ऐसे ही सेम यहाँ पे किया और सेम यहाँ पे किया, कोई दिक्कत आई? कुछ भी दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है कह रहा हूं। अब इसका जो अगला ऑप्शन है वो है एड बीम बिटवीन मिड पॉइंट्स। ठीक है, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है इसका, आप एक बीम से दूसरे बीम की अगर लाइन खींचेंगे वो ऑटोमेटिकली उनके मिड पॉइंट को कनेक्ट करेगी। ठीक है, यहाँ पे आप कहीं भी क्लिक कर, यहाँ क्लिक किया और मैं यहाँ कहीं भी इस बीम के ऊपर कहीं भी क्लिक करूँ, जैसे मैंने यहाँ कोने में किया, तब भी सिर्फ मिड पॉइंट पे ही बीम जुड़ेंगी। ठीक है, तब भी सिर्फ मिड पॉइंट्स पे ही बीम पड़ेगी। सेम यहाँ पे देखो, इधर क्लिक किया और इधर क्लिक किया, वो ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट पे बीम। अब आप अगर चाहो तो डिस्टेंस भी नाप सकते हो, उस बीम का हाफ पे डिवाइड कर दे। हाँ जी, एड बीम बिटवीन पॉइंट टू पॉइंट से किया था स्टार्ट में। अब अगला जो ऑप्शन मैंने एड बीम एड बीम बिटवीन मिड पॉइंट्स किया, भी हो गया, सबको आगे समझ में? दूसरा वाला ऑप्शन एड बीम बिटवीन मिड पॉइंट कुछ भी नहीं है, एक बीम से दूसरी बीम के बीच में क्लिक करोगे उसके मिड पॉइंट पे बीम जुट जाएगी, बताओ सब लोग बताइए मुझे प्लीज। अब देखो अगला ऑप्शन, अगला ऑप्शन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, यहाँ जाएंगे ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री में आपके पास एक ऑप्शन आता है एड बीम बाय परपेंडिकुलर, ये वाला ऑप्शन आपका तभी चलेगा, ये ऑप्शन तभी चलेगा जब आप एक नोट, अगर आप नोट आपके पास नोट नहीं है ऑप्शन चलेगा ही। ठीक है, आप इस पर क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक, देखो क्या बोल रहा है आपको, बोल रहा है पहले आप एक नोट सेलेक्ट करिए,
ठीक है चलो यहाँ नहीं करते। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा नोट बना हुआ है, ठीक है आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे मेरा नोट बना हुआ है, मैंने इस पे क्लिक किया, अब ये चल गया। इसके बाद मैं कहीं भी क्लिक करूं मतलब सामने वाली बीम पे कहीं भी क्लिक करूं तो वो जुड़ेगा जाके परपेंडिकुलर ही, ठीक है जुड़ेगा कहाँ पे जाके परपेंडिकुलर ही जुड़ेगा। आप यहाँ पे देखो यहाँ नोट्स बने में, ठीक है मैंने इस पे क्लिक किया, अब मैं इस वाली बीम पे कहीं भी क्लिक करूं जाके। एक चीज और, ये वाला जो नोट है ना इस वाले नोट को मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ सामने वाले पे सामने वाली बीम पे कोई भी नोड नहीं है, ठीक है मैं क्या करूंगा मैं इधर जाऊंगा ज्योमेट्री में ऐड बीम में जाके ऐड बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन, जहां से मुझे स्टार्ट करना है वहां पे नोड हो, जहां पे मुझे एंड करना है वहां कोई जरूरत नहीं है नोड, ऑटोमेटिकली क्या करें कहीं भी क्लिक कर लो आप टेढ़ा मेढ़ा जाके वो ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर ही इंटरसेक्ट करेगा उसको, ठीक है ये था मेरा ऐड बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन। अब इसका जो अगला ऑप्शन है वो काफी मतलब अलग किस्म का है, वो आप लोगों ने देखा नहीं है ऐसा, वो है ऐड कर्व, ठीक है कर्व भी जैसा कि आप लोग नाम से देख पा रहे हैं कर्व बीम होगी। इस बीम के अंदर क्या होगा अगर आपकी एक नॉर्मल स्टेट बीम ऐसी होती है कर्व बीम कैसी होगी इस तरीके, ठीक है आपने देखा ये डिजाइनर बना डिजाइन का अगर आपको इनोवेटिव करने वहां पे काम आते हैं आपने देखा होगा कई सारे लोग के घरों में बैल्कनी भी कर्व होती है, बैल्कनी वैसी कैंटिलीवर अपने आप में वो भी अगर कर्व्ड है फिर और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। तो अब अगर अगर मैं कर्व्ड बीम की बात करूं मेरी कर्व्ड बीम ऐसी है उसका मतलब क्या है अगर मैं उसका सर्कल पूरा कंप्लीट कर दूंगा तो वो एक तरीके से सर्कल ही तो है सेमी सर्कल हुआ है ना, अगर मेरी कर्व्ड बीम आ रही है ठीक है और अगर मैं सर्कल को कंप्लीट कर दूं क्या हुआ ये मेरा सर्कल कंप्लीट हो गया, मानते हैं इस बात को। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है इस पॉइंट से लेकर यहां तक यहां से लेके यहां तक ये सारे के सारे क्या है मेरे रेडियस, और क्योंकि ये रेडियस है तो ये सारे के सारे इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ ज्योमेट्री में और यहाँ पे ऑप्शन करता हूँ ऐड कर्व, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा आप देखोगे मेरा कर्सर कर्व हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे कर्व भी बनानी है यहाँ पे, मैंने क्या किया इधर क्लिक किया और इधर क्लिक किया दोनों नोट्स के बीच में क्लिक किया, उसके बाद आपके पास ये डायलॉग बॉक्स खुल के आता है, उसको बहुत ध्यान से सुनना सब एक बारी में कोशिश करना जितना ग्रैब कर पाओ, नहीं हो पाए तो बताओ, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो सबसे पहला आपसे पूछे रेडियस ऑफ कर्व, मैं आपको पहले बता चुका हूँ यहाँ पे रेडियस होगा, ठीक है ये चीज रेडियस ही तो मांग रहा आपसे कर्व्ड यहाँ पे चीज है इसका रेडियस मांग रहा आपसे, तो आप रेडियस दी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं 2 मीटर का रेडियस, ठीक है। उसके बाद आपसे हार्म एंगल, हार्म एंगल कुछ नहीं होता, ठीक है अगर आपका ये है स्ट्रक्चर, ठीक है आपकी बीम इस तरीके से आएगी या इस तरीके से आएगी या फिर नीचे की तरफ को आएगी, ये होता है गामा एंगल, ठीक है। तो अब गामा एंगल अगर मैं 0 दे रहा हूँ तो देखते हैं कहाँ पे बनती है 0, या मैंने क्लिक किया ओके तो आप देख पा रहे होंगे कि उनकी कर्व बीम बन गई और वो बनी है ऊपर की तरफ, मैं लेफ्ट साइड वाले व्यू से देखता हूँ तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि गामा एंगल मेरा कर्व आया है, तो 0 रखने की वजह से कर्व आया वो अपराइट है ऐसा ऊपर की तरफ, ठीक है वह ऊपर की तरफ। अब मैं क्या करता हूं मैं इस बीम को सिलेक्ट करता हूं, डबल क्लिक, तो यहां डबल क्लिक करने पर मुझे इसकी प्रॉपर्टी दिखाता है, ये सारी बीम्स के साथ है वैसे ऐसे इसके साथ नहीं है, आप किसी भी बीम पे डबल क्लिक करेंगे ना या किसी भी ओपोनेंट पे डबल क्लिक करेंगे आपको उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। अब देखो ये मैंने बना दी, अब मैं एक बार फिर से बनाता हूँ, ज्योमेट्री में गया एड बीम में जाके मैंने एड कर्व बीम मैंने ये सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट किया, रेडियस ऑफ कर्वेचर मांग रहा है कुछ, ठीक है ज्यादा दोगे अगर छोटे से एरिया में अगर ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर दोगे वो आपको दिखाई नहीं देगा ढंग से, ठीक है वो इन्फिनिटी की तरफ जाने लगता है, और अगर लार्ज एरिया में छोटा रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो वो भी दिखाई नहीं देगा, याद रखें छोटे एरिया में छोटा रेडियस ऑफ कर्वेचर दें लार्ज एरिया में लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम एंगल इस बार मैं क्या करूंगा 90 रखा उसको, मैंने ओके किया तो आप देख रहे होंगे इस बार क्या हुआ ये क्लॉकवाइज रोटेट हो गया, ठीक है ये क्लॉकवाइज रोटेट हो गया, देखो टॉप व्यू से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये ऐसा बन, इसका मतलब साफ हो गया कि अगर मैं 0 बनाता हूँ ऊपर जाएगा, 90 देता हूँ क्लॉकवाइज रोटेट करेगा एक बार
180 दूंगा तो उसके नीचे जाएगा, नीचे की तरफ बनेगा, 270 में सामने की तरफ बनेगा, 360 में वापस ऊपर आ जाएगा। देखते हैं, आइए यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, काम एंगल किया मैंने कितना, 180 ओके किया तो ये नीचे की तरफ चला, उसे देखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टॉप व्यू देखोगे आपको ये वाली दिखाई देगी, दिख रहा है। अब इसके बाद एक बार 360 देख ही लेते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, कर्वेचर देना चाहो, गामा गामा एंगल 270 देते हैं, ठीक है किया तो आप देखोगे अंदर की तरफ को आ गया, ठीक है 360 में वापस ऊपर, ये आपकी होती है क्रिएशन ऑफ कर्व, ठीक है क्रिएशन ऑफ कर्व बीम। बताइए, अब बताइए आप लोगों को समझ में आया? नहीं रुद्र जी, आर्च आर्च ठीक है, आर्च भी आज भी एक तरीके से वही है। आपको वैसे बता रहा था, बालकनी बैल्कनीज जो होती है वो हमारी कैंटिलीवर बीम्स होती है, बाहर की तरफ एक्सटेंडेड है वो, आर्च नहीं है। ठीक है, आगे सबको समझ में कर्व बीम कैसे बनानी होती है, गामा एंगल क्या है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, यही दो चीजें डिफाइन करनी है, एक कर्व बीम बन। गामा एंगल की वैल्यूज कैसे कैसे वेरिएट होती है, 90 के बाद 270, 90 180 270 360, समझ में आ गई सबको? बताइए, हाँ एक एंगल अभी करके तब भी कुछ नया इन्वेंट नहीं करना, ज्योमेट्री में गए, एड बीम में गए, रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं उन लोगों के लिए, एड बीम में ऑप्शन आता है एड कर्व, आपने एक नोड को सिलेक्ट किया, आपने दूसरे नोड को सिलेक्ट किया, आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, अगर एक बीम कर्व्ड है ऐसी, ठीक है तो बेसिकली उसका मतलब क्या है कि वो ये उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये, और ये डिस्टेंस जो है वो इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, हर एक पॉइंट पे इक्वल होगा डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि रेडियस है, सर्कल का रेडियस तो हर जगह इक्वल होता है, आपको अगर यहाँ से समझ नहीं आ रहा तो इसको पूरा सर्कल बना के देख लो, है ना, यहाँ पे वही रेडियस पूछ रहा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आप जोड़ के, मैंने आपसे बोला अगर छोटा डिस्टेंस है तो छोटा रेडियस ऑफ कर्वेचर दो, अगर बड़ा डिस्टेंस बड़ा रेडियस ज्यादा सही रहता है, लेकिन जनरली ये जो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये यहाँ पे हिडन ट्रायल में वैल्यू दे रहा हूँ मैं आपको, जब आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे वहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फिक्स होता है, वहाँ पे फिक्स होती है हमारे पास, पहले ही बता देंगे हमें इतने आगे तक का चाहिए। उसके बाद गामा एंगल, इस बार मैं 360 रखता हूँ, गामा एंगल का मतलब यही होता है कि आपके जो बीम है वो किस डायरेक्शन में बन रही है, यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर की तरफ बनी, जब जीरो रखा 90 रखा तो इस तरफ को बनी क्लॉकवाइज रोटेट करके, 180 रखा तो नीचे चली गई, 270 रखा तो वापस पीछे की तरफ, ये अगर 90 90 के ऑपोजिट वाला जो है वो 270 है, अब 360 को आएगा वो नीचे की तरफ को आएगा, ठीक है तो मैंने 360 किया ओके किया तो आप देख रहे हैं नीचे बन गया, ठीक है सॉरी, अच्छा 360 तो वापस आपको ऊपर ही आएगा, जीरो नीचे 180 आएगा, ये आपका 360 वापस ऊपर बन गया, आया समझ में, ये आपका 360 वाला है। आप ठीक है, आप क्लियर हो गया आप सबको? बताइए, अब वो जो बीम्स मैंने हटाई है वो सारी की सारी डायरेक्शन में थी, कुछ बीम्स थी एक्स डायरेक्शन में जो आपने देखी होंगी, यहाँ पे कनेक्ट हो रखी थी, यहाँ पे कनेक्ट हो, कुछ थी वाई डायरेक्शन में जो इनके बीच में थी, और कुछ थी जेड डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे ऐसे थी और ऐसे थी, ठीक है वो मैंने हटाई इसलिए क्योंकि वहां पे नोट की रिक्वायरमेंट है, मैंने सिर्फ बीम्स हटाई है, इस बात को याद रखिएगा, बीम्स और कॉलम्स हटाए हैं मैंने, मैंने नोट को नहीं डिलीट किया, इस बात को अपने दिमाग में याद समझ लीजिए, ठीक है। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे क्या ज्योमेट्री ऑप्शन, इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्योमेट्री ऑप्शन में जब मैं जाऊंगा आप लोग यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन आता है उसका नाम है कनेक्ट बीम्स अलोंग, कनेक्ट बीम्स अलोंग का मतलब है कि ये जो एक्सेस होगी इन पे अपने आप ही जितने मेरे पास उन पे बीम्स कनेक्ट होती है, मैंने आपको पहले दिन ही कहा था कि जो मेरा नोड है वो बहुत जरूरी है बीम क्रिएट करने, बिना नोड के मैं बीम क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है बिना नोड के मैं बीम पर बिना नोड बिना बीम के मैं नोड क्रिएट कर सकता, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं अभी ये ऑप्शन एक्टिवेटेड नहीं आ रहा का ऑप्शन है और एक्स आपने नोड्स एक्टिवेट नहीं करे, तो आप क्या करोगे यहाँ पे जाके नोड्स कर्सर उठाओगे और सारे के सारे ये नोड सेलेक्ट कर सारे, या फिर आपको जहाँ भी कनेक्शन करना,
आप ये सारे के सारे ट्रैक कर लो। इसके बाद आप कहाँ जाओगे, ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री में ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट फील्ड्स आ रहा है। यहाँ पे आप जब जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आएंगे x, y और z एक्सिस। अब जब मैं x एक्सिस पर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे क्या आ रहा है, देखो 9 मेंबर्स क्रिएटेड। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब मैं ओके दबाऊंगा तो कौन से 9 मेंबर्स वहां दिख जाएंगे, देखिए ठीक है, कुछ मेंबर्स जो मिसिंग थे वो यहाँ पे आके कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये इस ऑप्शन का फायदा है, आपके पास नोट्स होने चाहिए, आप जिस डायरेक्शन में चाहो वहां पे आप बीम्स पर, तो बीम्स पर अब फिर से जाओ, अभी देखो अभी भी नोट्स एक्टिवेटेड है, एक्टिवेटेड है। मैं जाऊंगा फिर यहाँ पे बाई एक्सिस क्लिक करूंगा, आप देखोगे 6 नए मेंबर बने, ठीक है। मैं क्लिक करूंगा फिर देखना कहाँ कहाँ पे बने, ठीक है। आपको ये सारे के सारे ऑप्शन ऑफ से ऑन हो, तब दिखा रहा था कॉलम से दिखा रहा था, देखो अभी भी नोट्स एक्टिवेटेड है। तो मैं फिर से जाता हूँ, क्रिएट टीम्स रॉन्ग कनॉट कनेक्ट टीम्स डेड एक्सिस, ठीक है। तो आप देखना 8 मेंबर, ठीक है, आप देखना 8 मेंबर कौन से है, क्या ये बात सबके समझ में आई, क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आई। मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने सिर्फ एक नोट, अभी ऐसा ही है कुछ, अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही तो हटा, अब देखो नए नोट्स बना लेते, आप सब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास कुछ अब आप कनेक्ट करना चाहते हैं, या तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ऐड बीम करके हर एक को कनेक्ट करें, ऐसे करके कनेक्ट, थोड़ा मेहनत का काम होता है, फालतू में टाइम बर्बाद करते हैं। तो आप क्या करते हैं, इन नोट्स को नोट कर्सर ले लिया, इनको करते हैं सिलेक्ट, और आप जाते हैं ज्योमेट्री में, और आपके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कनेक्ट बीम, मैंने आपको तभी आपको एक्टिव दिखेगा जब आप सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे आप जब क्लिक करते हो तो आप पाओगे यहाँ पे कि 4 मेंबर्स क्रिएट हो, तो आप ओके पे क्लिक करते हो तो आप देखते हो ये 4 मेंबर्स, 1, 2 और 4, ये आपके मेंबर्स क्रिएट हो, ठीक है। अभी भी आपके नोट्स कनेक्टेड है, आप ज्योमेट्री में फिर जाओ, कनेक्ट बी स्ट्रॉन्ग, यहाँ करो वाई, वाई किया आपने तो आप देख लो वाई वाले मेंबर्स जो थे वो कनेक्ट हो। अब कौन से बचे हैं, अब ये देखो जेड वाले बचे, जेड की तरफ टीम्स क्रिएट हो, आप जाओगे ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री में जाके आप जाओगे इधर और यहाँ पे करोगे वाई, सॉरी वाई टू, पहली बार फैक्ट्री में जाओगे, कनेक्ट बीम्स अलोंग में जाओगे, बाद जाके आप करोगे जेड एक्सिस, आपने किया तो जेड एक्सिस, बस इतना ही काम है इस ऑप्शन का। यह है उस वाले ऑप्शन से बचने के लिए जिसमें आप एक एक नोड को पकड़ के कनेक्ट करते, ठीक है, बताइए अब क्लियर है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, मैं यहाँ पे एक ऐसी थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, वैसे कोई मीनिंगफुल से आप लोगों को थोड़ा समझ, अब आप लोग देख रहे हो ये एक मैंने बनाया है ऐसी, ठीक है। अब आप चाह रहे हो कि ये जो बीम है आपकी,
यहाँ पे आधी पटकी हुई है, इसको पूरा पूरा यहाँ तक खींच के इस पर छिड़काओ, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हो यार, देखो एक तो आपको एक ऑप्शन आपके पास वाला है जो मैंने आपको बताया था, ज्योमेट्री में जाके मूव करोगे ना, मूव पे जाके ज्वाइंट को, इस वाले ज्वाइंट को मूव कर दो इस जगह, ठीक है। आप मूव कर दो इस ज्वाइंट, कैसे होगा वो, आप क्या करोगे, आप करोगे इसको स्टेप, जाओगे ज्योमेट्री में, यहाँ पे जाओगे मूव पे और यहाँ जाओगे ज्वाइंट, ठीक है। अब आपको ये मूव करना है, ठीक है, कौन से एक्सिस पे करना है, आपको करना है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मूव करना है, कितने मीटर से करना है आपको, ये आपको पीछे की तरफ आना है, ठीक है, आपको पीछे की तरफ आना है, तो कितना करोगे, -2 मीटर से आप इसको मूव करोगे और क्लिक करोगे, तो आप देखोगे कि आपका स्ट्रेच होके यहां तक आ गया, ठीक है। ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये वाला हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको डिस्कस नहीं करना, मैंने वापस अंडू कर दिया। हमको डिस्कस करना है कि मेंबर, पहले तो मैं नोट कर रहा था, ठीक है, आप में से किसी ने मुझसे पूछा भी था पहले, आप कर ले हो स्ट्रेच, लेकिन मेंबर को कैसे स्ट्रेच हो, आप में से कोई पूछ भी रहा था, तो अब ये वही वाला ऑप्शन है, मेंबर को कैसे करते हैं, आप इस मेंबर को सेलेक्ट करो, ठीक है। फिर आप जाओगे ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री में आपके पास एक ऑप्शन आता है स्ट्रेच सिलेक्टेड मेंबर, ये तभी एक्टिवेट होगा जब आप इस मेंबर को सिलेक्ट करोगे, वरना ये एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये सिलेक्ट करना है, फिर आप ज्योमेट्री में जाओगे और आपको दिखेगा ये सारा ऑप्शन, आप करोगे इसको, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है, इसमें आपको दिखा रहा है कि जो आपने मेंबर सिलेक्ट किया वो मेंबर नंबर 4 है, आप खुद ही देख सकते हो, मेंबर 1 है, ठीक है, 1, 2, 3 और 4, मेंबर नंबर 4 आते हैं। अब पहला ऑप्शन देखो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है टू अ पॉइंट, ठीक है, टू अ पॉइंट। अब जब यहाँ पे लिखा हुआ है टू अ पॉइंट, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप डिस्टेंस मूव कर, ये आपसे कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है एक्स वाई और जेड, ठीक है, इस बात को याद रखो, ये आपसे कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है यहाँ तक मूव करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट रखूंगा, ये आप लोग बताइए, बताइए मैं क्या कोऑर्डिनेट वहां पे, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड सबके, तो ठीक, तो आपका गलत है, आपने पहले सही बताया था, ठीक है। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे मेरे 0, 3, 0, क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस पे 3 वैल्यू है मेरी, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट्स पे 0 है यहाँ पे, तो मुझे उसी कोऑर्डिनेट की वैल्यू देनी है। बाद में क्या करूंगा, यहाँ पे जब हो गया मेरा, आके क्लिक करूंगा अप्लाई पे, अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो मेंबर है वो स्ट्रेच होके यहाँ तक आ गया, ठीक है, या आपका हो गया टू अ पॉइंट। मुझे बताओ यहीं पे बताओ सबके सबके क्लियर है कि नहीं, वरना आप लोग बाद में रिपीट करने को बोलते हो, बड़ी मेहनत लगती है उसमें, बताओ क्या ये सभी को क्लियर हो गया, है ना क्लियर, बढ़िया, ठीक है। कोई अगर चाहे रिपीट बोल सकता है यहाँ पे, बाद में मत बोल, क्लियर नहीं हुआ तो अभी आगे, ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये था पहला ऑप्शन, अब जो आप देख रहे हो, मैं इसको अंडू कर दूंगा, ठीक है, अंडू कर दूंगा यहाँ से, ये वापस पीछे आ गया, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ फिर से, अभी ये वाला जो बॉक्स है इसमें दूसरा ऑप्शन है वो है थ्रू अ डिस्टेंस, थ्रू अ डिस्टेंस का मतलब होता है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये इसको कवर कर, लेकिन वो इसमें दो चीजें पूछ रहा है, वो आप है कि आपका स्टार्ट नोड है कि एंड नोड है जिसको आप खींचना चाहते हैं, आप लोग मुझे बताइए कि स्टार्ट नोड है कि एंड नोड है और कितने डिस्टेंस यहाँ पे मैं एंटर करूँ तो यहाँ पे आके चिपक जाए, बताओ, बताइए आप लोग बताइए, बहुत बढ़िया, अभिनंदन, आपको पता कैसे लगा एंड नोट है, आप लाओगे अपना कर्सर यहाँ पे, जब आप अपना कर्सर यहाँ पे ला रहे हो तो आप देख रहे हो कि आपका जो ब्लू कलर का मार्क है वो लेफ्ट साइड को आ रहा है और वही वाली साइड मुझे एक्सटेंड करनी है, ब्लू कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, एंड नोट, ठीक है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे एंड नोट, और डिस्टेंस कितना है ये जिससे मूव करना है, 1 और 2,
यूनिट्स का डिस्टेंस है, तो मैंने यहाँ पे 2 एंटर, और आप यहाँ पे आके क्लिक करोगे अप्लाई पे, ठीक है। अगर यहाँ पे आपसे एंड नोड नहीं पूछा होता या फिर नोट्स नहीं पूछा होता, तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस कितना देना पड़ता, -2, क्योंकि आपसे यहाँ पे नोट पूछा हुआ है, तो आपको पॉजिटिव डिस्टेंस देना है, और आप यहाँ पे देखोगे कि आपका स्ट्रेच होगा, है समझ। अब देखो नेक्स्ट, तो मैं अंडू कर देता हूँ दोबारा, फिर मैं मेंबर सेलेक्ट करता हूँ। अगला ऑप्शन जो है मेरा वो है टू एन एग्जिस्टिंग लास्ट में, अभी आप देखो टू एन एग्जिस्टिंग ऑप्शन का मतलब क्या होता है, टू एन एग्जिस्टिंग मेंबर मतलब कि ये वाला जो मेंबर है, आप एक दूसरे मेंबर जो कि एग्जिस्ट कर रहा है वहां तक सेलेक्ट करो, ठीक है। मेरा मेंबर जो एग्जिस्ट कर रहा है वो ये वाला मेंबर है, इसका नाम क्या है, मेंबर नंबर, ठीक है। तो टू एन एग्जिस्टिंग मेंबर में यहाँ पे मैं जाऊंगा, मुझसे पूछ रहा है कौन से मेंबर तक एक्सटेंड करना चाहता हूँ, मैं इसको मेंबर नंबर 1 तक एक्सटेंड करना, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगा, जाके क्लिक भाई पे, आप देखो मेरा ऑटोमेटिकली स्ट्रेट जाके एकदम स्ट्रेच होगा, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे मेंबर नंबर 1 ना करके, यहाँ पे आप इसको स्ट्रेट करो, मेंबर नंबर 1 सिलेक्ट ना करके आप इसको मेंबर नंबर ये वाला जो, और यहाँ पे आगे क्लिक करो अप्लाई पे, आप देखोगे ये मुझसे क्या बोल रहा है यहाँ पे, नो स्ट्रेचेबल मेंबर फाउंड, ये टेढ़ा स्ट्रेच नहीं हो सकता, ठीक है, ये आपका टेढ़ा स्ट्रेच, स्ट्रेट जाके ही स्ट्रेच हो, इसका मतलब ही वही है कि आप उस डायरेक्शन में एक्सिस सीधा की, ठीक है, ये नहीं हो सकता, समझिए इस बात को। अगला ऑप्शन आता है मेरा टू एन एग्जिस्टिंग नोड, ठीक है, टू एन एग्जिस्टिंग नोड, अब इसका मतलब क्या है, ये जो मेंबर है एक नोड तक जाके स्ट्रेच हो, क्योंकि तो पहले से, अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा एक नोट दिखा रहा है मुझे, ठीक है, उस नोट का नंबर मैं चेक कर लेता हूँ, शिफ्ट एन दबा, आप लोग यहाँ पे देख रहे हो इसका नोट का नंबर है 2, मैं इस मेंबर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लाता हूँ टू एग्जिस्टिंग नोट, ठीक है, जाके सिलेक्ट करता हूँ नोट नंबर 2, ताकि मैं चाहूँ, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे एक स्ट्रेच हो जाए। जब मैं आके इस पर अप्लाई करता हूँ तो आप देखोगे फिर से वही चीज बोल रहा है मुझसे, स्ट्रेचेबल मेंबर फाउंड, इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रेच होगा ये हमेशा सीधा ही होगा, चाहे वो किसी भी मेथड से। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो कोई नोड है नहीं, मुझे नोड बनाना पड़ेगा, मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा इसको सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, इस बीम को, इसके बाद मैं कौन सा ऑप्शन करूंगा, इंसर्ट मोड। इंसर्ट मोड में आपको पता है कि इस बीम की जो लेंथ है वो 6 मीटर है, आपको जो इंसर्ट करना है वो 3 मीटर पे करना है, तो मिड पॉइंट वाला तरीका बेस्ट है, आप क्लिक करोगे मिड पॉइंट पे नोड आ गया, आप ओके करोगे, आपका नोड यहाँ पे तैयार हो चुका। अब इसका जो नंबर है नोड का वो आप लोग देख सकते हो, नोड नंबर 6, जो नोड का नंबर है ये मेरा नोड नंबर 6 है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इस नंबर को यहां से जाऊंगा ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री में जाने के बाद मैं जाऊंगा इसी ऑप्शन पे फिर सिलेक्टेड मेंबर्स पे, यहाँ पे जाने के बाद मैं ऑप्शन चूज करूंगा टू एन एग्जिस्टिंग, ठीक है, मेरा नोड नंबर क्या है, जिस तक मुझे एक्सटेंड करना है नंबर 6 तक, एक्स को सिलेक्ट किया, जाके यहाँ पे क्लिक किया अप्लाई, और आपका जो मेंबर है वो स्ट्रेच हो गया, 12% आपका काम हो चुका है, ठीक है। ये आपके 4 ऑप्शंस थे मेंबर को स्ट्रेच करने के। अब ये जो चारों के चारों ऑप्शन है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन आपके काम है, लेकिन मैंने एक ऐसी कंडीशन बनाई जहाँ पे चारों के चारों आपके काम आए, ठीक है। अब आप कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि नहीं यार ये वाला इससे बढ़िया मैं ये वाला मेथड यूज करूँ, ठीक है, तो आप बिल्कुल बेहिचक वो मैसेज जो आप, ठीक है। तो बताइए मुझे, किसी को कोई डाउट इसमें, बताइए क्या ये चारों ऑप्शन क्लियर थे, तो कोई भी डाउट इसमें क्लियर है, अगर एग्जिस्ट मोड में ऊपर वाले बीम में नोट बना दें मिडिल में, एक मिनट, ऊपर वाले बीम में नोट बना मिडिल में वाले, बात नहीं सकता मोड, यहाँ वहां भी नहीं होगा ना, वहां भी नहीं होगा, आपसे बोल तो रहा हूँ वो स्ट्रेच ही सीधा होगा, वरना तो वो इस वाले भी कर जाता है, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है, वो स्ट्रेच ही हमारा सीधा होगा। हाँ समझ गया आपकी बात आदर्श जी, क्या बोलना चाह रहे हो आप,
आप बोल रहे हो इंदौर के बीच में मैं एक नोड बनाऊं और वहां पे आप स्ट्रेच करो, नहीं हो पाएगा वो। मैंने पहले मेंबर भी तो सिलेक्ट किया था, जब उस मेंबर भी नहीं गया तो वो नोड पे क्यों जाएगा? ठीक है, स्ट्रेच जो होगा हमेशा सीधा होगा वो। पिस्टल्स वाला रिपीट करना है उज्जवल, उज्जवल पिस्टल्स वाला रिपीट करना है क्या? देखो क्या करना होता है, कंट्रोल जेड करा मैंने इस मेंबर को, मैं गया ज्योमेट्री पे, स्ट्रेच पे गया, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है थ्रू अ डिस्टेंस। ठीक है, थ्रू अ डिस्टेंस में हमारे पास दो ऑप्शन है, स्टार्ट नोड से आप स्ट्रेच करना चाहते हो कि एंड नोड से। अगर मैं स्टार्ट नोड से करूं, ठीक है, एक बार मैं स्टार्ट नोड से करके दिखाता हूँ। स्टार्ट नोड इसका कौन सा वाला है? ये वाला, राइट वाला। स्टार्ट नोड से मैं इसको 2 मीटर जाना चाहता हूँ और मैंने जाके अप्लाई कर दिया, तो आप देखेंगे वो इस तरफ को स्ट्रेच हो, जबकि मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता था वो इस तरफ को स्ट्रेच। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, एंड नोड पे जाऊंगा क्योंकि एंड नोड मेरा इस तरफ को है, आप देख भी सकते हो नोड ओपनिंग हो रखी है आपके सामने। उसके बाद 2 मीटर से ही मुझे इधर को भी स्ट्रेच करना है, 1 यूनिट 2 यूनिट जाके अप्लाई करा, आपका मेंबर स्ट्रेच हो। ठीक है, आइए, कोई दिक्कत? इसका फंक्शन होगा ना, देखो आप क्या होगा, कई बार मॉडलिंग करते हुए आपकी होगी जो आपने पहले छोटी बनाई है। ठीक है, आपने मान लो आपके पास कंप्लीट मैप नहीं आया था, आपने पहले जो आपके पास मैप आया भी था, तो आपके पास स्ट्रक्चर की फोटो आई थी, तो आपने उतनी बना दी। उसके बाद आपको बोला गया परपेंडिकुलर ही हो रहा है उज्जवल जी, परपेंडिकुलर ही स्ट्रेच हो। ठीक है, अगर आप ये बोल रहे हो कि परपेंडिकुलर हो जाए, वो नहीं हो सकता, हमेशा स्ट्रेट स्ट्रेच होगा। हाँ, तो अभिनंदन मैं आपको ये बता रहा था, कई बार ऐसा होगा कि आपने पूरा बना लिया होगा, फिर आपको एक नया वो आएगा, इम्प्रोवाइज्ड फिगर आएगा, तो ये बोला गया होगा कि यार ये जो वॉल थी ये हमको हटानी है, तो थोड़ा 2 मीटर और एक्सटेंड कर। ठीक है, वॉल को आप डिलीट करोगे, फिर उस जो बीम्स होंगे उसके आसपास बीम्स और कॉलम्स होंगे तो आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा, बीम को 2 मीटर से स्ट्रेच करना, तो आप 2 मीटर से इस तरीके से स्ट्रेच कर। ठीक है, ये इसका यूसेज हो सकता है। परेशानी? हाँ जी, अगर आपको वर्टिकल स्ट्रेच करना है तो यहाँ पे आपको एक नया मेंबर बनाना पड़ेगा, उसके बाद वो वर्टिकल स्ट्रेच आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी लो, अगर आपको ये वाला स्ट्रेच करना है, देख सकते, चलो एक बार ये वाला मैंने सेलेक्ट किया, मेट्री पे गया, स्ट्रेच सिलेक्ट इन। ठीक है, आप यहाँ पे जाओगे, वो पॉइंट कर दो। ठीक है, आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, वर्टिकल जाना चाह रहे हो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बताओ? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 6 4। मैंने यहाँ पे 6 किया, यहाँ पे दिया मैंने 4। ठीक है, और उसके बाद मैंने जाके क्लिक किया अप्लाई पे, क्या लिखा हुआ आ रहा है बताओ? नो स्ट्रेचेबल मेंबर इज फाउंड, मेंबर स्ट्रेच नहीं हो सकता उस डायरेक्शन में, इसलिए ऐसा। अब डाउट क्लियर है अभिनंदन?